ऑडियो वीडियो online. और एक काम करेंगे सब लोग बेंच पे बैग नहीं रखेंगे बैग नीचे रखो बैठने के लिए जगह दीजिए और एक बेंच पर दो तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है

चलो 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 जगह जल्दी जल्दी बनाओ जो लोग मांग रहे हैं आपको जगह आसपास पास और ए सी शुरू है तो थोड़ा बंद रखो <coughs> हेलो हेलो <coughs> वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स बस पहली बार गुड इवनिंग बोल रहे हो इसके आगे गुड मॉर्निंग बोलेंगे इसके आगे हर दिन गुड मॉर्निंग बोलेंगे ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेरी गुड लाउड एंड क्लियर था सबका आवाज फिर से एक बार बोलने की जरूरत ही नहीं थी है ना सो हाउस द जोश सच में हाय है ऐसे ही बोल रहे हो ग्रुप टू सुबह से शुरू था लास्ट लेक्चर है अभी भी जोश आया आपका हर दिन रहेगा क्या गुड 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 सो मुझे लगता है आई पर्सनली फील कि ये जो जोश है ना आपका फर्स्ट डे ग्रुप वन के वक्त भी था फिर क्या हो गया एंड तक बरकरार था क्या हाँ सर मतलब सफाई से झूठ बोलते क्या या बस कुछ लोग बोल रहे तो बाकी लोग सपोर्टिंग एक्टर बन के हम भी हाँ बोल देते साथ में तो ध्यान से सुनिए सब लोग आज हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली आप लोग मेरे साथ और आपका ऑल टुगेदर एक नया फेज शुरू हुआ है जिसको हम ग्रुप टू बुलाते ग्रुप टू इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ग्रुप वन के कंपैरिजन में ग्रुप टू आसान नहीं है मगर आपका डिटरमिनेशन लेवल और पीक पे चला जाता है तो जो गलती आपने ग्रुप वन में की है या दूसरों को करते हुए देखा है आई एम श्योर कि वो गलतियां वापस रिपीट नहीं होगी तुमसे रिपीट नहीं होगी तुमने किया रहेगा तो रिपीट मत करना किसी और को देखा रहेगा गलती करते वक्त तो डेफिनेटली वो तो अपने को करना ही नहीं है आप सब लोग एक्साइटेड है ग्रुप टू के लिए एफ एम इको के लिए ओके कौन सा पेपर होता है ये पेपर एट होता है लास्ट लास्ट क्या कितने पेपर है ये? इंटर में कितने पेपर है आठ सबसे लास्ट पेपर है दोस्तों है। और लास्ट पेपर की खासियत होती है मनो में या तो पहले के पेपर एकदम जबरदस्त गए रहते तो धक धक करने लगा क्या होगा अभी अगला पेपर कोई तो पेपर टफ आता है मतलब एक ही बचा है तो यही टफ आएगा या तो इससे पहले कोई पेपर ऑलरेडी टफ आ जाता है तो वैसे ये देने की इच्छा नहीं होती फिर तो इधर वे अपन लोग नेगेटिव माइंडसेट में ही रहते हैं इसका मतलब है ना इसको बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि अगर आपके पिछले तीन पेपर एकदम कड़क गए हैं जबरदस्त गए हैं। इसका मतलब ये लास्ट मौका है अब इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपनी ताकत लगा दी रहेगी पेपर तो सेट है मगर आपके पास वन एंड हाफ डे का टाइम रहेगा के बाद से लेकर एफ एम तक का टाइम रहेगा और इस टाइम में आपको पूरा का पूरा कोशिश लगाना है आपके अंदर जितना दम है पूरा लगा देना है ताकि आपका ये लास्ट पेपर पूरे इंडिया को भले टफ जाए मगर आपको आसान जाएगा

पांचवा मटेरियल नहीं है कुछ सर आपके नोट्स मेरे नोट्स पूरे के पूरे यही कॉम्बिनेशन है नोट्स में एक भी क्वेश्चन मेरे मन का नहीं है है जो पूरा वो ऑब्वियसली पूरा पूरा का पूरा मैंने लिखा है डाइल्यूट कर कर लिखा है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है बट गाइज एक भी क्वेश्चन मेरे मन का नहीं है मेरे मन के क्वेश्चन तुम सॉल्व करके क्या करोगे इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जामिनेशन स्टडी मटेरियल सब कुछ यहां पर डाल दिया है आपके आपके पास आप सबको बताया कि छह बुक का एक सेट मिलेगा आपको या मिल चुका रहेगा ओके okay? छह बुक का एक पूरा सेट जिसके अंदर सबसे मेन बुक आपको रोज जो है इधर वो रहेगा मेन बुक एफ का जिसको बोलते हैं एफ का रेगुलर नोट्स इसके बाद एफ एम के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यू हैव एफ एम क्वेश्चन बुक एफ एम क्वेश्चनअर बुक हैज बी डिस्कस्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अलॉन्ग बैच, दिस इंक्लूड्स अबेंडेंट क्वेश्चन विद वॉट एवर यू कैन आज उसके अलावा आपके फटाफट रिविजन के लिए चार्ट बुक तो चार्ट बुक जो रहेगा यह समरी है पूरा पूरा समर है और कुछ लोगों को लग रहा होगा सर समरी की क्या जरूरत है तो ये माइंड मैपिंग एक साइंस है भाई जो लोग चार्ट बुक को आसान समझते हैं पहली बात तो उसे बनाना मुश्किल होता है इतना मेहनत करके बनाया है एंड पूरा का पूरा बुक इसलिए बनाया ना बिकॉज ना ये बहुत फैंसी दिखे और इससे आप एडमिशन ले लो बट इसीलिए क्योंकि ये बुक टोटली कलर इसलिए बिकॉज आपको याद आता है राइट साइड में ऊपर रेड कलर में कुछ तो था नीचे की तरफ येलो में कुछ तो लिखा था

जनरली क्या होता है एफएम का सिलेबस इतना ऐसा पढ़ते 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 डूब जाते लोग कि इको थ्योरी है थ्योरी है ये सोचकर साइडलाइन हो जाता है बट लेट मी टेल यू इको इज नॉट थ्योरी इन इंटर इको इज आल्सो प्रैक्टिकल इन इंटर पिछला जो पेपर हुआ ना इंटर का अब भी अठारह मे को उस पेपर में आपको जान के हैरानी होगी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में फोर्टी मार्क्स में से ट्वेंटी मार्क्स का प्रैक्टिकल था कितना 24 मार्क्स का प्रैक्टिकल था तो ये रहा टेक्स बुक जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड है एकदम डिटेल में सो दिस विल बी द टेक्स बुक ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जिसके अंदर पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ताकि आपको समझे कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आप कैसे आंसर करोगे और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके पास है चार्ट बुक तो ये वापस है कलरफुल बुक रहेगा और हम लोग इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस मेनली चार्ट बुक से पढ़ेंगे और फिर उसको रिलेट करेंगे टेक्स्ट बुक के साथ जो कि एफएम एफएम में में नहीं होगा क्योंकि में आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब तक आप सोल्व नहीं करते तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है बडी को थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है इसलिए इस तरीके से होगा और क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे पता था पहले से ही इतना ज्यादा आता है या आ सकता है अच्छा कोई प्रडिक्शन है क्या इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई प्रोडिक्शन है क्या इंस्टीट्यूट का कि भाई पिछली बार इतना आया था तो उसके पिछली बार भी उतना ही आएगा आपको जान के हैरानी होगी नवंबर ट्वेंटी टू आउट ऑफ फोर्टी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट मार्क का प्रैक्टिकल आया था आउट ऑफ फोर्टी आप सोच रहे हो दो एग्जाम देखो बैक टू बैक हुए एक में ट्वेंटी फोर मार्क्स प्रैक्टिकल बचा थ्योरी और उससे पहले वाले एग्जाम में आठ का प्रैक्टिकल बचाओ थ्योरी सो so, सबसे बिगेस्ट हमारी मिस्टेक क्या होती है हम हर like वक्त बोलता हूं मेरे टेस्ट पेपर्स से लेकर मेरे बाकी चीजों के हद तक आप जब जब प्रोडिक्शन करोगे आप गलत रहोगे तो बेटर रहेगा प्रशन मत करो सबकी तैयारी रखकर चलो और ये है आपका प्रैक्टिकल पार्ट का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बुक ई फॉर फाइनेंस का तो ये छह बुक का सेट तीन एफ के तीन इको के आपको मिलेंगे ये जर्नी हमारी आज से शुरू हो रही है और हमारा सिलेबस एंडिंग जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी लेक्चर्स में होगा ओके okay? और सेवेंटी लेक्चर्स जो हम लोग लेंगे अप्रोक्स सेवेंटी वन सेवेंटी टू भी हो सकता है या फिर सिक्सटी एट होने के चांसेस बहुत कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो विनोद सर ने एक बेंचमार्क आपके सबके लिए सेट किया था इस टाइमिंग में वो बेंचमार्क को हम पूरा का पूरा अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे आई एम नॉट श्योर कि मैं वहां कहां तक पहुंचूंगा उन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं बट यस जरूर मैं ट्राई करूंगा मेरा लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा बिकॉज मोर लेस हमारा टीचिंग स्टाइल बाय डिफॉल्ट पहले से ही थोड़ा सा सिमिलर है सिमिलर है मतलब प्रैक्टिकल जहां पर पार्ट आ जाता है वहां पर हम लोग प्रैक्टिस जिस तरीके से करवाते हैं आपको भी समझ जाएगा द ओनली बिगेस्ट डिफरेंस विल बी कि एफ के अंदर या इको के अंदर आपको एवरी डे होमवर्क रहेगा और होमवर्क ही आपका सेल्फ प्रिपरेशन है होमवर्क ही आपका सेल्फ प्रिपरेशन है देखो यहां पर तो है ना किसी को भी कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा ना इधर एकदम मक्खन जैसे आ जाएगा बट घर जाकर वही क्वेश्चन उसी कैटेगरी के क्वेश्चन जब आप रेफर करते हो तो आप ब्लैंक हो जाते हो और मैं चाहता हूं कि आप ब्लैंक हो पहले मैं चाहता हूं कि आप वहां पर वो हर्डल फेस करो जैसे ये ब्लैंक पेज दिख रहा है आपका माइंड भी ब्लैंक रहेगा और आप शुरुआत करोगे हाँ चलो ये क्वेश्चन तो पढ़ा है सेम एक्ज... क्लास में भी सॉल्व किया बट हाँ शुरुआत फॉर्मेट क्या रहता है आ, पहला क्या लिखते है? ये जो होता है ना ये मैं चाहता हूं कि होमवर्क के वक्त आपके साथ हो क्योंकि अगर होमवर्क के वक्त नहीं होगा ना एग्जाम में होगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो ठीक है वो एसी के साथ खेलना हो गया रहेगा तो अभी इधर ध्यान देना थोड़ा एसी का आवाज आ रहा है बंद चालू वगैरह ठीक है तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे कंटेंट की क्या लगता है आपको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर सिक्सटी मार्क्स का है सर इंपॉर्टेंट है सर

लास्ट एक डिकेड अगर तुम देखोगे तो फाइनेंस फील्ड हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग अच्छा इतना तो दूर क्यों जाए आप सब लोग सीए फाउंडेशन रूट से रहेंगे कुछ लोगों को छोड़कर जो डायरेक्ट एंट्री से रहेंगे बाकी सब लोग सीए फाउंडेशन रूट से आपने बीसी के पढ़ा है और बीसी के में बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आपको चैप्टर थ्री था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डोमेस्टिक कंपनीज एंड इंटरनेशनल कंपनीज थे उसमें फॉरिन कंपनीज उसमें आपने चेयरमैन एम डी के साथ साथ सी एफ ओ नाम सुना है मतलब आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट पोजिशन हो गया है फाइनेंस मैनेजर का जो पहले सिर्फ फाइनेंस मैनेजर नाम से जाने जाते थे अब इन दिनों ये की पर्सन है कंपनी के फेस बन चुके हैं ये और नो डाउट हर कंपनी का ग्रोथ उसके सीएफओ डिसाइड करते हैं आजकल बिकॉज सीएफओ का रोल अभी लिमिटेड नहीं रहा है सीएफओ का रोल बहुत एक्सटेंड तक बढ़ चुका है एंड नो डाउट आप फ्यूचर सीएफओ बन सकते हो सब लोग और वो फ्यूचर सीएफओ बनने के लिए कोई तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि सी एंटर में तेरा कितना में? अच्छा तुमने सेवनटी टू लिया क्या ओके ठीक है नाइनटी टू चलो तुमको सीएफओ बनाते ऐसा होता है किसी को सेवनटी टू किसी को नाइनटी टू है तो नाइनटी टू वाला सीएफओ बनता है क्या वो नाइनटी टू से सिर्फ इंप्रेस होगा बट वो फिर भी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है इसलिए क्रॉस चेक करेगा 92 मार्क्स लाना मैं अभी भी बोलता हूं बहुत आसान है मगर कंसेप्चुअली स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है हम लोग यहां पर क्लास में क्या करने वाले कंसेप्चुअली फोकस करने वाले आपको सिर्फ सीए इंटर नहीं सिखाऊंगा फाइनल के लेवल तक ला रख दूंगा ताकि जिस दिन फाइनल स्टार्ट करेंगे ना उस दिन बस सीए इंटर का एक दिन में रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे एंड दिस इज माय प्रॉमिस बट आपको क्या करना है आपको बस अटेंटिव रहना है आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये एग्जाम में कितने का आता है सर ये टॉपिक का वेटेज कितना है भाई मैं जब टॉपिक पढ़ाता हूँ ना मैं खुद सोचता नहीं उसका वेटेज कितना है मैं अपना हंड्रेड परसेंट उस टॉपिक को देता हूं और जब मैं दे रहा हूं तो आपको तो देना ही चाहिए डोंट वरी अबाउट दैट स्मार्ट स्टडी सो कॉल स्मार्ट स्टडी सर ज्यादा मार्क्स के लिए आया तो मैं कम पढ़ता हूँ ना सर वो उसके लिए मैं सेपरेटली आपको के वक्त एबीसी एनालिसिस दे दूंगा रिविजन के लिए मेन स्टडी के लिए नहीं रहेगा वो रिविजन के लिए देख लेना, हर वक्त जो पेपर के पहले वाला वीडियो अपलोडेड है और पेपर भी आपके सामने रहेगा हम क्लास के ड्यूरेशन में यहां पर मे ट्वेंटी थ्री का पेपर वाइज डिस्कस करते जाएंगे जैसे से हमारे चैप्टर आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में से मे ट्वेंटी थ्री में क्या आया और आपको लास्ट डे उस चैप्टर के समझ ही जाएगा कि सो कॉल्ड हार्ड पेपर नॉट अ हार्ड पेपर इट्स ओनली दैट बैलेंसिंग योर माइंड फॉर दैट थ्री आवर्स आप समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले मुझे लगता है कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपने खुद के बारे में देता हूं पहले

क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप जाओगे ना आपको एक क्यूबिकल में बैठकर काम नहीं करना है भाई आपको पब्लिक के सामने आना है एक दिन ऐसी स्टेज पे भी आना है जहां पर आपको भी ऐसे 500 700 लोग सुन रहे हैं और आप भी कुछ दमदार बोल रहे हो है कि नहीं है तो उस तैयारी के लिए यह सब जरूरी है ठीक है तो भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बेसिक से दे देता हूं एकदम पहले से दे देता हूँ बचपन से ही बहुत होशियार कैटेगरी का था मैं और जितने भी एग्जाम दिए ना वन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वन से लेकर स्टैंडर्ड नाइन तक सब एग्जाम में रैंक वन था मेरा और टेन्थ स्टैंडर्ड में मेरा रैंक फाइव आया इलेवेंथ में वापस वन रैंक ट्वेल्थ में वापस वन रैंक सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल सब में रैंक है बट वन नहीं है टीचर है टीचर अरे जनरली टीचर सुना आपको लगता है भाई ये जो भी बोलते हैं ना इसमें से आधा भी कर लिया तो बहुत है क्योंकि थोड़े ज्यादा होशियार रहते हैं तो लेट मी टेल यू ये कुछ भी नहीं है सच ये कुछ भी सच नहीं है अब आप मैं आपको मेरा सच्चा इंट्रोडक्शन देता हूं अब जो बोलूंगा सब सच बोलूंगा ठीक है सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा <coughs> uh, यहां पर विकास पूछ रहे सर एनी टेल फुल कोर्स विल बी कवर्ड ऑन यूट्यूब मतलब मेरे बच्चे लोग हैं मेरे छोटे बच्चे हैं दो एक बीवी क्या करने का मतलब पूरा कोर्स यूट्यूब पर ना पढ़ाने का विकास भाई पूरा कोर्स यूट्यूब पे नहीं रहेगा पहले पांच लेक्चर सात लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे उसके बाद हम ऐप पे जाएंगे वो ऐप क्या रहेगा सब कुछ मैं आपको थर्ड डे फोर्थ डे बता दूंगा डोंट वरी लास्ट के दो दिन जो रहेंगे यूट्यूब वाले वो दोनों चलेंगे पैरल चलेंगे ऐप भी चलेगा यूट्यूब भी चलेगा ताकि स्टैंड बाय में कुछ रहे हमारे पास ठीक तो है टॉपर हर हर रहता है टीचर भी सोचते है क्यूड बच्चा है चलो फर्स्ट है ना थोड़ा सा तो उस तरीके से स्टैंडर्ड थर्ड तक कोई टेंशन नहीं था और स्टैंडर्ड थर्ड तक मेरा जो रैंक था या ग्रेडुएशन था वो ए प्लस या फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही था बट फोर्थ फिफ्थ सिक्स जर्नी आगे जाती गई स्कोर्स नीचे 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 आते गए एंड बिलीव मी ये चार सालों में मैंने फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स परसेंट के ऊपर कभी स्कोर नहीं किया यस फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ और मेरे लिए सेवेंटी परसेंट के ऊपर स्कोर करना मतलब ओ माई गॉड हाँ होशियार गया एटी मतलब बहुत होशियार 90 मतलब देव मनुष्य है ना भगवान और मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता भगवान है वो तो ये कैटेगरी से मतलब एकदम एवरेज एव, स्टूडेंट से भी नीचे बोल सकते आप बट यस ये सच्चाई है फिर एट स्टैंडर्ड स्कूल चेंज हुआ थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज हुआ सब होशियार कैटेगरी के तुम्हारे टाइप के लोग थे आसपास किसी को पूछा कितना तो टेंथ में कितना मतलब पिछले स्टैंडर्ड में कितना स्कोर था सेवेंथ में तो कोई बोलता है बाजू में बैठा था मैं लेक्चर चेंज चेंज होने के अंदर जगह दूसरे को पूछा वो बोलता है नाइन्टी टू परसेंट लेक्चर एंड होने के पहले मतलब स्टार्ट होने के पहले दूसरे के बाजू में बैठ गया ढूंढते रह गया ढूंढते रह गया सबका स्कोर एटी फाइव के ऊपर था बहुत ही होशियार कैटेगरी का स्कूल था और अपना स्कोर 55 पूरा मतलब पापा के पहचान से मिला हुआ एडमिशन और मैं भी एकदम फुल फॉर्म में हाँ पापा का पहचान है बापू का पहचान है इसलिए एडमिशन मिल गया बहुत ही बेशरम कैटेगरी मतलब और बस स्कूल से आओ बैग फेंको खेलने निकल जाओ घर वाले भी निकलते निकलते बोलते भाई वापस आ जाना टाइम पर टाइम मतलब क्या खाने के टाइम पर सोने के पहले और एक ही चिंता उनको बस फेल मत होना ठीक है उसका टेंशन मतलब पास हो जाऊंगा और इस तरीके से एकदम चिल माहौल में बचपन निकला और एट में ये जब स्कूल में आया ना ये सबसे बड़ा पंगा हो गया लाइफ में बहुत ही होशियार लोग थे तो शर्म के बारे में थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई की बोला बहुत ही कम हो गया यार मतलब तीस तीस परसेंट आगे ये लोग थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया और ऐसा रहता है ना बचपन में कि पेरेंट्स आए तो अपन बुक खोलते तो अपना उल्टा था पापा मम्मी कोई एंट्री मारे अपन बुक बंद कर देता था मैं क्योंकि बचपन से इज्जत कमाई हुई थोड़ी इतना इमेज जैसा एकदम अच्छा बनाना नहीं था मुझे तो इसलिए मैं ऐसा पेरेंट्स आए तो बुक बंद कर देता था हाँ टाइम पास कर रहा हो ऐसा दिखाता था और थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ता था वो पढ़े पढ़ाई से थोड़ा सा एलर्जी था इसलिए और देखते देखते एट स्टैंडर्ड का एग्जाम आया और वो जो एग्जाम हमने दिया उसमें मेरा मेरा जो परसेंटेज है वो सेवेंटी टू परसेंट आया कुछ लोग बोल रहे सेवेंटी टू आकर सेवेंटी टू भाई सेवेंटी टू मेरे आए रहे और मैंने, मैंने, मेरे, मतलब जो भी रिलेटिव्स है जो लोकल रहते थे वहां पर सबको पेड़ बाटे पर्सनली जाकर उसमें से तीन चार लोगों ने बोल दिया तू तो उल्टा पड़ा रहेगा देख एक बार ट्वेंटी सेवन रहेंगे कॉन्फिडेंस था उनको और ये सब हुआ और देखते ही देखते फिर थोड़ा सा मुझे ही उस दिन रात में लगा कि यार थोड़ा पढ़ लिया सेवेंटी आ गए

क्या वे ऐसा तो ऐसी सोच बदलो दुनिया बदलेगी रे तो यहां पर फिर जब नाइन्थ स्टैंडर्ड आया 86 परसेंट आए ना एवरीबडी इन द स्कूल राइट फ्रॉम प्यून टू प्रिंसिपल वाज टॉकिंग अबाउट मी कि इसका टेंथ में रैंक आएगा एंड इतनी बातें हुई ना टेंथ में रैंक आएगा टेंथ में रैंक आएगा कि मुझे तो लगा बस अपना रैंक उधर रखा है अपने एग्जाम लिखना है इतना हवे में हो गया था फुल आसपास सब लोग बोल रहे रैंक आएगा रैंक आएगा मुझे लगा हाँ भाई रैंक तो आने ही वाला है <coughs> और फिर टेंथ का एग्जाम दिया और पता चला कुछ गड़बड़ हो गया और फिर आया रिजल्ट जैसे सबको पता है कि सोसाइटी में एक थॉट होता है प्रोसेस की बहुत तो साइंस करेगा कुछ नहीं एवरेज है कॉमर्स करेंगे और कुछ नहीं कर सके तो आठ में तो ग्रेजुएशन ले लेगा तो ये सेम साइकोलॉजी उस वक्त भी था एंड वी चार्टेड अकाउंटेंट प्रूव दैट साइकोलॉजी गलत है बाय टेकिंग कॉमर्स एंड बिकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट तो <coughs> टेंथ में स्कोर आया सेवन जीरो सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट में साइंस कॉलेज के सामने गेट पर भी नहीं खड़ा करते नहीं मिला एडमिशन तुम्हारे लातूर से कितने लोग है क्या कोई हाँ है काफी लोग हैं तुम्हारी कॉलेज शाहू कॉलेज में एडमिशन चाहिए था भगा दिया भगा दिया शाहू कॉलेज सेवेंटी परसेंट मतलब कोई सोच भी नहीं सकता मतलब गरीबी में भी कोई नहीं लेगा पहचान वहचान दूर की बात है तो ऑब्वियसली साइंस में एडमिशन नहीं मिला और फिर इसके बाद फिर क्या करना है तो कॉमर्स करेंगे कॉमर्स में क्या करना है सबसे सुपीरियर कोर्स करेंगे सीए ये सोचकर सीए में एंट्री मारी इलेवेंथ स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया कॉलेज टॉपर नॉट जस्ट कॉमर्स आई एम टेलिंग यू कॉलेज टॉपर मतलब साइंस से भी ज्यादा स्कोर किया था अभी तक नाम लिखा है सब पेंट से पीएन कॉलेज नांदेड़ का पीएन कॉलेज तो स्कोर वाज 94 परसेंट डिसेंट इनफ बट जैसे ही ये स्कोर आया सब लोग आसपास बोलने लगे अभी ट्वेल्थ तेरा रैंक आएगा तेरा भाई माफ करो गलती हो गया था अब नहीं आएगा बस वो ऐसी बाजू वाले का कॉपी करके आ गया ये वो और बस इन सबसे दूर रहा पढ़ाई करता रहा अपना फोकस वे में और ट्वेल्थ में सच में रैंक आ गया बोर्ड में टेंथ रैंक और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक धीरू अंबानी स्कॉलरशिप मिली तीन साल तक बीकॉम का फीस अंबानी फाउंडेशन ने भरा और स्टे का खर्चा भी अंबानी फाउंडेशन ने भरा <coughs> मोटा भाई की कृपा इधर खड़े और उसके बाद हाँ ये सब सच है और फिर उसके बाद फिर बीकॉम एंड सी ए करने पुणे पहुंचे और फाउंडेशन स्टार्ट हुआ चारों पेपर राइटिंग में थे आउट ऑफ़ 400 200 लेना था था चारों पेपर राइटिंग था, एक, मतलब इकोनॉमिक्स भी भी मैथ्स सब कुछ और उसके बाद यहां पर जब पहुंचे तो यहां पर देखे कि सब लोग बहुत होशियारे मैं जिस क्लास में था उस क्लास में अस्सी लोग थे एटी ऑलमोस्ट राइट और 80 के 80 सब लोग रैंकर्स थे क्योंकि उस क्लास में डिवीजन थे दो एक नॉन रैंकर एक रैंकर नॉन रैंकर डिवीजन 200 लोग थे रैंकर डिवीजन 80 लोग थे फॉर्म भरते वक्त लिखना था रैंक इफ एनी मेंशन द रैंक और मैंने रैंक मेंशन किया ना ट्वेल्थ का रैंक है मेरा बस जैसी वो रैंक फॉर्म पे दिखा मेरा डिविजन डाल दिया और वो डिविजन में सब लोग रैंकर्स उस डिविजन में टीचर आते थे फर्स्ट डे स्टार्ट टू एंड इंग्लिश

गवर्नर क्या इकोनॉमिक टाइम्स का कलर कौन सा रहता पेपर का ये भी नहीं पता था तो ये केस में ये लोग सब एकदम पड़ाकू लोग सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ते थे पढ़ते थे और जब मॉड्यूल पढ़ के होता था तो न्यूज पेपर भी पढ़ते थे और देखते ही देखते एग्जाम नजदीक आने लग गई सीनियर्स को पूछा भाई पढ़ाई कैसे करते और सीनियर्स सब लोग एक ही बात बोलते थे मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा मैथ्स पढ़ मैथ्स में फेल हो जाएगा एवरीबडी यूज टू गिव मी ओनली वन सजेशन मैथ्स 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 इलेवन वजह से मैथ्स से पहले डर लग गया एकदम से और जब जब मैथ्स खोलता था बस तारे जमीन पर इनू ईशान ईशान बस सेम ऐसे बस नंबर्स उड़ रहे और अपन सो रहे <laughs> और इसके बाद एग्जाम्स नजदीक आ गई जब जब बाकी सब्जेक्ट पढ़ा फंटास्टिक मैथ्स पढ़ा प्रॉब्लमेटिक यही इक्वेशन चलता रहा एंड तक एग्जाम दिया फाउंडेशन का और फाउंडेशन के एग्जाम का मैथ्स का पेपर बहुत टफ गया फोन लगाया पेरेंट्स को लाइन हुआ करता था उस वक्त सेंटर के बाहर से ही फोन लगाया मॉडर्न कॉलेज पता है आपको उसके बाहर एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे वहां से फोन लगाया क्योंकि मोबाइल नहीं थे और पेरेंट्स को बोला कि मैं नहीं दे रहा अगला पेपर पॉइंट नाइन नाइन परसेंट ठीक है फिर एक काम कर लास्ट पेपर के आ जाओ तो क्या फायदा रहेगा मैं वैसे भी फेल होने वाला हूं ठीक है ना वैसे भी फेल होने वाला ना तो टेस्ट सीरीज समझ के दे दे ऐसी दे दे। खुद के खुशी के लिए दे दे लास्ट पेपर कितना पढ़ा था। भले ही तू इसके आगे मत पढ़ पेपर के लिए जितना अब तक पढ़ा उसके भरोसे पे दे दे। जैसे तैसे पेरेंट्स का बात कभी मना नहीं किया था इसलिए मैंने बोला हाँ ठीक है डन और फिर अगला पेपर दिया जैसे तैसे जितनी भी पढ़ाई हुई उसके बेसिस दिया बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा और फिर घर आ गया रिजल्ट आया फाउंडेशन का टू हंड्रेड कितना टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट आउट ऑफ फोर हंड्रेड मैथ्स थर्टी फोर मार्क्स व्हाट इज द एंड रिजल्ट फेल है बहुत रोया उस दिन क्योंकि बच वो जो पेरेंट्स बचपन में बोलते थे ना कुछ भी कर फेल मत होना बस वो दिन सामने दिखा दिया मैंने पेरेंट्स को और ये रिजल्ट अल्टीमेटली फेल है और ये रिजल्ट जब फेलियर रिजल्ट सामने आया तब बुरा लगा इतना बुरा लगा बट फिर इसको भूलना था क्लीन स्लेट के साथ फिर से स्टडी करना था शाम को तो ऐसा लगने लग गया जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन के सीए छोड़ दे तो पेरेंट्स को बोल भी दिया सीए छोड़ दो पेरेंट्स ने बोला पक्का क्या मैंने बोला हाँ पेरेंट्स बोले ओके डन और इतने जल्दी डन बोला तो और भी डाइजेस्ट नहीं होता आधे घंटे बाद में गया और मैं बोला मैं करूंगा सीए। वो ना बोलते तो अपन बोलते नहीं नहीं छोड़ना है छोड़ना है, छोड़ना है अच्छा अच्छे से पढ़ूंगा और उस दिन रात में इतना रोया रहेगा ना बिकॉज नेक्स्ट डे से रोना नहीं था मुझे सेवन ओ क्लॉक मॉर्निंग आई स्टार्ट मैथ्स नेक्स्ट डे और अगले दस दिन तक सिर्फ मैथ्स पढ़ा और बाद में लगा कि यार नहीं यार इतना तो वर्थ नहीं था कि ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाऊं और फिर समझ गया कि बस अब ये सब्जेक्ट जबरदस्त हुआ है अब बाकी सब्जेक्ट बैलेंस करो और एग्जाम दो तो बाकी सब्जेक्ट सब बैलेंस किया और एग्जाम दिया और नेक्स्ट एग्जाम जो दिया था उस नेक्स्ट एग्जाम का रिजल्ट है ऑल इंडिया रैंक इलेवन एंड दोस्तों जो सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक्स उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिस वाज फॉर इकोनॉमिक्स आई वाज बोर्ड टॉपर इन ट्वेल्थ इन इकोनॉमिक्स आई वाज इंडिया टॉपर इन सी ए फाउंडेशन इन इकोनॉमिक्स और इस रिजल्ट के साथ फिर सी ए इंटर सी ए इंटर फर्स्ट गो डन सी ए फाइनल सी ए फाइनल फर्स्ट गो डन ये तरीके से सीए का जर्नी बट यस इंटर एंड फाइनल में कोई रैंक नहीं आया बट यस ये भी उतना ही सच है कि फेल कभी नहीं हुए तो ये इतना ऐसे गहरा डिस्क्रिप्शन के साथ वाला यू नो इंट्रोडक्शन क्यों दिखाया मैंने इसमें दो इंसिडेंसेस ऐसे जिसमें से आपको सच में सीखना चाहिए जो टेंथ वाला रिजल्ट था ना मेरा सेवेंटी परसेंट वाला उससे क्या सीखा आपने ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था कि बस रैंक तो सिक्योर है बस पहुंचना है एग्जाम देना और रैंक मिल जाएगा किसी का रैंक सिक्योर नहीं होता है एक बात याद रखिए आपका हिस्ट्री कुछ भी हो टेंथ में आप क्या थे ट्वेल्थ में क्या थे फाउंडेशन में क्या थे डजेंट मैटर इंटर अलग स्टोरी है और मुझे नहीं लगता यहां बेटा कोई भी इंसान बोलेगा हाँ सर इंटर बस आप पढ़ा दो हम क्लास कर लेंगे रैंक तो लिखा है बस आ जाएगा भाई आपका खेल ऐसी इंटर सर हमने सुना भी है टेंथ से इजी है भाई ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो पढ़ाई करो मेहनत करो ऑटोमेटिकली स्कोर आएगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा यहां पर नाउ अबाउट व्हाट अबाउट दिस सी ए फाउंडेशन फर्स्ट एग्जाम 234 एंड मैथ्स 34 का क्या तू 28 एंड मैथ्स थर्टी फोर का क्या लॉजिक था क्या सीखने मिला आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्यों आया मेरा पहली रिजल्ट क्यों आया अरे लॉजिक आंसर दे रे कॉन्फिडेंस कम था प्रिपरेशन कम था हाँ मगर क्यों आए भाई फोर्टी से कम क्यों आए डर द बिगेस्ट रीजन वॉज फियर फैक्टर एंड तुम में यह है तुम सब में यह है और नहीं रहता ना तो आसपास वाले भर देते, एक्चुअली तुम सोचो तुम में एंटर करने के पहले कभी तुम्हारे मन में फेल नाम की चीज थी क्या कभी नहीं था कब भी सोचा नहीं तुमने फेल होगा मगर में एंट्री मारा एग्जाम का नाम चेंज बना दिया और पढ़ते तो बचपन से तभी थे जब एग्जाम आती थी सीए में तो एग्जाम ही नहीं आती है अटेम्प्ट आता है और का मीनिंग अपने ब्रेन को तो पता है कोशिश। तो क्या कोशिश ही तो कर रहे नहीं पास हुए तो अगली बार कोशिश करेंगे उसकी अगली बार कोशिश करेंगे लाइब्रेरी में दो चार फ्रेंड बन जाएंगे कॉरिडोर में टाइम पास करेंगे फिर कोशिश करेंगे यह स्टोरी चलना है क्या अपने को सी इन स्टूडेंट लाइफ माई फंडा वॉज वेरी सिंपल ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है पूरा पूरा स्टार्ट राइट फ्रॉम आफ्टर से लेके टीए फाइनल के रिजल्ट तक की बात करूं तो पांच साल मैं बोल रहा हूं ट्वेल्थ के बाद से सी ए फाइनल के रिजल्ट तक कितना पांच साल ठीक है मुझे ये स्टोरी है ना पांच सालों में खत्म करनी थी साढ़े पांच लग गया अलग बात है फाउंडेशन की वजह से बट मुझे ये स्टोरी को रिपीट नहीं करना था क्योंकि है ना इतना ब्यूटीफुल दुनिया है ना और यंग एज है तो मुझे वो वेस्ट नहीं करना था लाइब्रेरी में बैठ बैठ के बैठ बैठ के बैठ बैठ के तो काफी लोग बोलते हैं ना सीए के वक्त आपने एंजॉय किया क्या, क्या सर क्या आपका स्ट्रगल था क्या सर फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था कोई स्ट्रगल नहीं था बस पढ़ने के अलावा बाकी कोई स्ट्रगल नहीं था जब जब पेरेंट्स को पैसे मांगे अगर दो हजार मांगे रहेंगे तो तीन हजार दिया मगर कभी हजार नहीं भेजे ओके okay? तो स्ट्रगल किस बात का हुआ भाई दूसरी बात सिर्फ पढ़ना था और अपने अपने जो भी रेगुलर ड्यूटीज थे वो करने थे अगर आपको लग रहा होगा कि आप में से कोई स्ट्रगल कर रहा है तो मैं आपको बता दू स्ट्रगल नहीं है स्ट्रगल वो होता है जहां पे तुम्हें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे मेनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है उसमें से जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एज में आप कुछ नहीं कर सकते उसको स्ट्रगल बोलते मेरे लाइफ में सच में नहीं था मॉर्न एंड वोटर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली वेरी वेल टू डू फैमिली जो मेरे पापा की मेहनत थी ऑफकोर्स और आज भी मेरा भाई उस लेगेसी को बहुत ऊपर तक ले गया है और जो मैं ये कर रहा हूं ये उनके मुताबिक टाइम पास है फ्रेंकली फ्रेंकली बिकॉज वी 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 आर 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 रियल बिजनेस बिजनेस होलसेल डीलिंग्स सो ऑब्वियसली ये सब के आगे ना ये जो भी मैं कर रहा हूं इंक्लूडिंग गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वगैरह सब टाइम पास है ठीक है इसका अपॉर्चुनिटी रेट अगर मैं बताऊं फाइनेंस के लॉजिक से तो कुछ और ही जाता है बट वो करना चाहिए जो अपने को पसंद है इसलिए ये चल रहा है एंड सीए के करियर में आज सच कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कभी एंड uh, आगे बस पढ़कर पास हुए पढ़कर पास हुए बहुत अच्छे से पास हुए अगर आपके दिल दिल में ये क्वेश्चन होगा कि यार ग्रुप टू करना है नहीं करना है मैं बोलता हूं देखो थोड़ा दम एक्स्ट्रा लगा दोगे ना सच में निकल जाएगा बार 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 रोने से अच्छा ना एक बार एक्स्ट्रा रोकर खत्म कर दो नेगेटिविटी माइंड से बाहर निकालो फियर फैक्टर को उखाड़ के निकाल दो बाहर फियर फैक्टर नहीं चाहिए अपने पास अपने पास चाहिए फुल ऑन फोकस फुल ऑन कॉन्फिडेंस नहीं बोलो फुल ऑन फोकस आज मैं आप सबको पूछता हूं कि सीए फाउंड मतलब सीए इंटर का चलो फर्स्ट गो में पास होना है आपको आपको क्या लगता है क्या गुण होने चाहिए आपके अंदर तो बड़े बड़े शब्द यूज करोगे आप दिमाग में आ भी गए रहेंगे आपके तो हाँ देखो कंसिस्टेंसी फोकस डिटर्मिनेशन मोटिवेशन है ना भाई कुछ नहीं चाहिए सिंपल है एक सिंपल लॉजिक समझो अच्छा एक एग्जांपल बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल इससे समझ जाएगा आपको कि आपको सच में पास होने के लिए क्या चीज की जरूरत आप सब लोग अगर मैं वो कॉर्नर वाले एक पर्सन से लेकर उस कॉर्नर वाले पर्सन तक की बात करूं तो आप सब लोग अप्रोक्सीमेटली इस क्लास की कैपेसिटी के हिसाब से साढ़े पांच सौ ठीक है तो यहां पर साढ़े पांच सौ लोग कंटिन्यू करेंगे पढ़ना आज से और ढाई महीना सेवेंटी फाइव लेक्चर के आसपास का ड्यूरेशन रहेगा और सब लोग पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है इस फाइव फिफ्टी में से फाइव फिफ्टी पास हो जाएंगे प्रैक्टिकल रहकर बोलो मुझे इंप्रेस मत करो सर आपसे पढ़ रहे सर पास हो जाएंगे अगर रहता ना ऐसा तो यूट्यूब ऐसा क्रैश हो जाता मानो मैं क्या तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे पढ़ने के बाद में ही पास हो जाओगे वगैरह बट फाइव फिफ्टी पास होंगे होंगे पास नहीं होंगे yes, approximately 55 अपना आता है हर बार। मगर what about the remaining 45 उनको मैं थोड़ा तो सा ऐसा मतलब ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग पढ़ाता हूँ ना थोड़ा कम वैल्यू देता हूं ah. बोले वापस कुछ नहीं वाई दैट फोर्टी फाइव परसेंट पीपल फेल और यार में यह पूछूंगा कि वो जो फिफ्टी फाइव परसेंट पास हो रहे वो क्यों हो रहे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको एक टारगेट दिया है आपको सपोज आज से टारगेट दिया है पगेट अबाउट ग्रुप वन जो हुआ वो हुआ अभी से आपको एक टारगेट दिया है आज एक स्टार्ट लाइन ड्रॉ करते अपन लोग फर्स्ट जून और आपका फिनिश लाइन रखते अपन लोग सपोज अठारह बीस नवंबर बराबर है कि नहीं अठारह बीस नवंबर विल बी योर बोलिए फिनिश लाइन यस आज से लेकर वहां तक जिसने दौड़ लिया ना वो पास है, उससे थोड़ा भी कम दौड़ा ना फेल मतलब रिक्वायरमेंट क्या मन में आपको बस अभी से लेकर उस दिन तक पेपर आठ के शाम के पांच बजे तक आपको जितने एफर्ट्स डालने हैं उतने डालने हैं सपोज मैं बोलता हूं दोनों ग्रुप दे रहे हो तो ग्यारह बारह घंटे पढ़ना है पढ़ना है मतलब पढ़ना है भाई कोई चॉइस नहीं है अगर मैं ग्यारह बारह बोल रहा हूं ना तो तू कितना पढ़ेगा तेरा तेरा घंटे पढ़ेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ा आपने तेरह घंटे पढ़ मगर उससे कम मत पढ़ एग्जाम्पल चाहिए डरो मत तेरह घंटे नहीं बोलूंगा बारह घंटे नहीं बोलूंगा यस मगर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है आज से आगे वो सब बताऊंगा मैं आपको तो स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक दौड़ना है झेपा क्या समझा क्या और जिसने ये कंसिस्टेंटली दौड़ा ना वो पास है अब अगर आपके अंदर दम है ना थोड़ा तो ऑल इंडिया रैंक सोचो थोड़ा भी दम है ना सच में बोल रहा हूं मैं आपको ऑल इंडिया रैंक सोचो आप बोलोगे बैकलॉग पड़े यहां पर आप ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हो सर ग्रुप वन मानू है कि आपको कैसा है हमारा अभी ग्रुप टू पहले दिन मोटिवेटेड आप बोल रहे हो रैंक ला लो सर कितने लोग सच में ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों को लगता है कि आपका रैंक आ सकता है ऑनेस्टली रेज योर हैंड जल्दी जल्दी वेरी गुड वेरी गुड इनके सिर्फ हाथ ऊपर करने के लिए टाली बजाएंगे हम लोग और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है जो लोग टाली बजाए ना अभी आपको बस यही नहीं करते रहना जिंदगी भर आपको भी पढ़ना है सिर्फ पास होने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है भाई रैंक का सपना नहीं देखे तो पास का सपना देखे तो कम से कम इज्जत से पास हो यार पास भी होना तो इज्जत से पास हो कुछ लोग रहेंगे जो लोग सोचेंगे रैंक लाना है मगर मैं हाथ ऊपर नहीं करूंगा नहीं नहीं हाथ ऊपर कैसे करे यार क्लास के सामने बोले रैंक लाना है है ना मतलब अपनी भी कुछ वैल्यू है अरे क्या अगर तुम्हें यह बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है तो तुम सोचो तुम ऑल इंडिया रैंक के जब अंदर आओगे तब तो तुम्हारा पूरे इंडिया में जब नाम होगा और लोग तुम्हें कहां कहां से ढूंढेंगे इंस्टा वगैरह कहां ढूंढेंगे और वो सब तुम्हें पूछेंगे कैसे पढ़ना है क्या करना है उस वक्त तुम कैसे रिप्लाई दे पाओगे यार अभी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है तुमसे सिंपल सिंपल हिसाब है आपको एफर्ट्स डालने हैं खुद को प्रॉमिस करना है तो आज ही आज ही ये बोलो कि सच में <coughs> सच में रैंक लाना है पूरी मेहनत करेंगे रैंक लाएंगे और रैंक लाना बिलीव मी बहुत इजी टास्क है अगर आप कंसिस्टेंटली जो यहां चल रहा है जो इंसान यहां पे जो भी बोल रहा है उसका सुन लोगे ना आपका वैसे भी रैंक आ जाएगा अपना प्रॉब्लम क्या अपन दिमाग लगाते खुद का जो कि है नहीं मगर लगाना है क्या लगाना है सर हमने क्या किया सर बस जिस दिन चॉइस मिल जाए चॉइस भी नहीं देते आपको कोई मगर चॉइस लेते तुम और क्लास बंक करते क्यों तो बस दोस्त ने दो बोला ना मूवी जाएंगे बस उस मूवी के नाम में पहली बार क्लास बंक होता है और उसके बाद ना आदत हो जाती है कोई भी चीज जिंदगी में देख लो पहली बार ही अफसोस होता है बाद में आदत पहली बार ही अफसोस होता है बाद में आदत तो बस ये समझ लीजिए क्लास बंक मत कीजिए होमवर्क जो भी मैं आपको दूंगा ना वो सब आपको करने हैं क्लास टेस्ट जो भी आपके होंगे ना सब सिंसियरली अटेंड करना मैं आपको कितने दिन, दिन का टाइम देने वाला हूं पढ़ने के लिए दो से तीन दिन दो से तीन दिन तो दो से तीन दिन पढ़ लो ना यार एक पेपर का टेंशन खत्म कर रहा हूं मैं पूरा पेपर यहां पर करवाने की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको बस दो से तीन दिन वो जब जब टेस्ट रहेगा ना आप बस उसका उतना एफर्ट डाल दीजिए एंड बिलीव मी मैं आपको बहुत प्लानिंग से टेस्ट देने वाला हूं पूरा प्लानिंग अमित सर के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेगा और आपका प्रिपरेशन यहां पर ही कराएंगे हम बस आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स डाल दो यार कभी ना एक मौका मिलता है भगवान देता है ना मौका तो सच में उसको अपॉर्चुनिटी बोल के लो आप ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हो पूरी दुनिया को मान में आपके रिलेटिव आपके आप लाओगे ऑल इंडिया रैंक वैंक का तो उनका क्या लेवल रहेगा मतलब क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में कभी तो पॉजिटिव सोचने का मौका दो उनको <laughs> बाकी अदरवाइज तो आप अपने को भी मान में रिलेटिव क्या काम करते हैं बट जब रैंक लाते हो ना तो अच्छा अच्छा रिलेटिव बोलते मैं क्या इसके ऊपर विश्वास था रैंक लाएगा मैं तो बोलता था पहले से रैंक लाएगा देख देख तेरा बेटा मेरा बेटा और वही अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेल वेल का रिजल्ट आ गया ना पुणे की हवा लग गई भाई पुणे क्यों भेजा मैं तो पहले से बोल रहा था खर्चा मत कर इसके पीछे देख उसको <laughs> तो इसलिए बोल रहा हूँ एक मौका मिला है बस अच्छे से यूटिलाइज करेंगे बहुत मेहनत करेंगे और कुछ तो गजब करेंगे सिर्फ पास पास नहीं होंगे से पास होंगे से उस उस एफर्ट्स के के साथ साथ पढ़ पढ़ सकते सकते क्या उस के साथ सकते क्या अपन लोग लोग उम्मीद हैं हम वेरी गुड चलिए स्टार्ट करते फिर अपना जर्नी. और क्या सिलेबस पढ़ेंगे आसपास की चीजें पूरा सिलेबस ही पढ़ेंगे ठीक है आसपास की चीजें जितनी बतानी थी मेरी तरफ से वो सब बता दी मैंने आपको अब इसके आगे बहुत अच्छे से पढ़कर हम लोग कंटेंट पे पूरा कंट्रोल लाएंगे सबको बुक्स मिल चुके रहेंगे नहीं मिले रहेंगे तो कलेक्ट कर लेना और बुक का सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है यूट्यूब पर तो पहले दो चैप्टर जब तक आपको ट्रांजिट में बुक्स रहेंगे तब तक आपको स्टडी हेम्पर ना हो इसलिए सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है फर्स्ट चीज फाइनेंस फाइनेंस मैनेजर जब आप सुनते हो सपोज के चलो आप एक फाइनेंस मैनेजर हो आप कौन हो फाइनेंस मैनेजर आईसीए के प्लेसमेंट्स हुए आप सीए बने पहली बात तो हा बनोगे ना हाँ तो जब सीए बन जाओगे आईसीए के प्लेसमेंट्स रहेंगे और उस प्लेसमेंट्स में आपका सिलेक्शन हुआ रिलायंस इंडस्ट्री का एक सब्सिडरी कंपनी था जिसको रिलायंस ने अक्वायर किया था अब रिलायंस उसको फंड रेजिंग कर कर चलाने वाला है आगे समझता है ये वर्ड्स आपको फंड रेजिंग मतलब पैसा रेस करना है और आगे बढ़ाना है कंपनी को आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट किया है क्या लगता है आपको वॉट विल बी योर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस एज अ फाइनेंस मैनेजर बताओ मुझे सुबह से बहुत ढासू ढासू वर्ड सुने ऑडिटिंग रिव्यू क्या -क्या, क्या 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 सुने ना एश्योरेंस सर्विसेस तो ये जो सुने ना ये सब आप करते ही हो नो no डाउट इसके अंदर एश्योरेंस जो आपने बोला अभी उसके अंदर पूरा फोरकास्टिंग वगैरह होता है बराबर वो सब एफ का ही पार्ट है फोरकास्टिंग बोल दिया मतलब क्या मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बट अब एज अ फाइनेंस मैनेजर जब आपको एक पोस्ट मिलती है ना तो आपका काम पूरा का पूरा फाइनेंस देखना होता है और आप तो उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो जो रिलायंस की सब्सिडरी है और आगे फंड रेजिंग कर, कर उनको बिजनेस करना है मान लीजिए चलो नेचर ऑफ बिजनेस भी बोलता हूं मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी दैट इज़ फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर आइटम ठीक है manufacturing. Manufacturing that, that बोलो क्या लगता है आपको आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा पैसा रेस करना फंड रेस करना है ना क्या बोलते हैं इसे पैसा रेस करने को क्या बोलते हैं फंड रेजिंग इसी को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। डोंट राइट जस्ट फोकस पार्टिसिपेट इन डिस्कशन आई गिव यू टाइम टू राइट डोंट वरी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड व्हाट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंडिंग मनी इन दिजनेस इसी का एक टेक्निकल नाम है इसको बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन क्या बोलते हैं फाइनेंसिंग बोल दो उसको फाइनेंसिंग फंक्शन व्हाट इज फाइनेंसिंग फंक्शन सर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बिजनेस में जो पैसा लाया जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग फंक्शन इज इट क्लियर तो जब ये पैसा आप बिजनेस में लाओगे तो क्या देखोगे आप फंड से लेंगे या बोरोड फंड मतलब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन से कौन से टाइप्स मतलब मोड से आपको पैसा मिल सकता है तो आप प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के अंदर फर्स्ट चीज देखोगे वो रहेगा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग एग्जांपल में डेट इक्विटी प्रेफरेंस सब चीज आती है सबको पता है ना डेट मतलब लोन वेरी गुड आदानी की बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं रहती डेट तो सबको मालूम है है ना तो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग तो इसमें डेट प्रेफरेंस इक्विटी सब कुछ आता है ये सब ऑप्शंस आप लोग देखते हो और मुझे बताओ ऐसा कोई रूल है क्या कि पूरा पैसा एक ही सोर्स से आना चाहिए मान लो आप तो बड़ी कंपनी के सीएफओ भाई आप तो रिलायंस के सब्सिडरी कंपनी के सीएफओ हंड्रेड करोड़ रेस करने आपको कितना सौ खोका क्या लगता है आपको सौ करोड़ रुपए रेस करना है तो पूरा इक्विटी से आना जरूरी है या पूरा डेट से आना जरूरी है फिर ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन कर सकते हैं क्या मिक्स कर सकते हैं? मतलब सौ करोड़ में से पचास करोड़ इक्विटी से आ गया तीस करोड़ प्रेफरेंस से आ गया और बीस करोड़ डिबेंचर से आया ऐसा चलता है क्या पक्का यस चलता है इसको क्या बोलते हैं पता है इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चरिंग पर पहुंच गई तो पहले ओरिजिनल कैपिटल लेकर आ स्ट्रक्चर बना दे अगर सही नहीं बना तो रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो पहला चीज क्या आया कैपिटल स्ट्रक्चर तो जो मिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फंड तुम सिलेक्ट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट डे है थोड़ा सा टाइम दीजिए ये वर्ड्स सबके लिए नए है एफ एम कोई पहले से पढ़ के नहीं आया है और अगर पढ़ के आया है, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती की तुमने हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस पूरा नॉलेज क्लीन चिट रखो कोई प्रॉब्लम नहीं मैं सब समझाऊंगा बट ये सब वर्ड्स जो है ये टेक्निकल है है तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दीजिए बिलीव मी ये सब आपके लिए कॉमा फुल स्टॉप जैसे रहेंगे एकदम इजीली आ जाएगा आपको आप यही शब्दों में बात करोगे आगे डोंट वरी वो मेरी गारंटी है बट फर्स्ट डे ऐसे देखकर डरो मतारो ये क्या है वो क्या है वो क्या है सबका मीनिंग समझेगा आपको टाइम ठीक है कैपिटल स्ट्रक्चर नाम से ही समझ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मतलब क्या मिक्स या कॉम्पोजिशन ऑफ फंड कौन से फंड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म फंड हम जो बात कर रहे थे डेट इक्विटी प्रेफरेंस ये सब क्या थे लॉन्ग टर्म फंड थे तो हम यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या लिखेंगे मिक्स अब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द बिजनेस ठीक है क्यों ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हम लोग एक ही सोर्स से लाकर खत्म करो ना यार ऐसा क्या मतलब कॉम्बिनेशन कर रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है भाई डिवेंचर इश्यू डिवेंचर इंटरेस्ट करना पड़ेगा ओ तो जो पैसा तुम रेस कर रहे हो उस पैसों पर जो तुम्हें रिटर्न देने पड़ेंगे वो तुम्हारे लिए तो कॉस्ट ही हो गया ना तो उसको कंपनी के एंगल से क्या बुलाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि उसने बताया डिबेंचर पे हम देंगे इंटरेस्ट तो इक्विटी पे क्या देते डिविडेंट प्रेफरेंस पे क्या देते प्रेफरेंस डिविडेंट फिक्स रेट से रहता है तो ये सब रेस्पेक्टिवली इन सब के क्या बन गए कॉस्ट क्योंकि तुमने उनका पैसा लिया है तुम उनको रिटर्न दोगे बट तुम उनको रिटर्न दे रहे हो तो वो तुम्हारे लिए कॉस्ट है उनके लिए रिटर्न है Understood क्या so, इसे क्या बुलाएंगे बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए कॉस्ट ज्यादा कम या बैलेंस्ड बैलेंस्ड मतलब बैलेंस वाले लोग मतलब ऐसा है कि तुम मुझे ऐसा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है नाइन परसेंट तुम मुझे बोलोगे नहीं हम तुमको बैलेंस देते बारह परसेंट देते है ना अरे नाइन चल रहा तो तू कितना देगा का कोशिश करेगा मगर नाइन से ऊपर नहीं देगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे चाहिए लो चाहिए बैलेंस क्यों करेंगे जबरदस्ती कॉस्ट कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे यार तो हम क्या बोलेंगे यहां पर ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम या बराबर ना मिनिमम कॉस्ट चाहिए लीस्ट कॉस्ट चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड ऑलवेज बी लेस बट आपको लगता है सिर्फ कॉस्ट देखा जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए फिर उसके साथ साथ क्या देखेंगे और <coughs> यहाँ पर भी कुछ कमेंट्स है अच्छा बुक का सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगा बुक का सॉफ्ट कॉपी आपको ये आ, इस आ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक में, में मेरा पूरा प्रोफाइल है राइट फ्रॉम इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक वगैरह सब यूट्यूब वगैरह सब उसमें आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा उस टेलीग्राम चैनल पे आपको आज नोट्स अपडेट करके मिल जाएंगे लेक्चर के बाद मिलेंगे डोंट वरी आज नोट्स की जरूरत नहीं है वैसे भी ठीक है यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा आप कुछ फैक्टर बोल रहे थे फाइनेंसर कौन है फंड प्रोवाइड है वो कौन है मतलब क्या मेल फीमेल ऐसा कुछ उसका फंड देने का इंटेंशन क्या है टाइम पीरियड क्यों चाहिए टाइम पीरियड डिवेंचर्स अगर हम इशू कर रहे हैं तो उन्हें पे ऑफ करने की कैपेसिटी है या नहीं है इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक तरफ से वो डर रहा है तो इस क्या बात कर रहा है वो रिस्क की बात कर रहा है डिवेंचर्स का रिस्क होता है कि नहीं होता है क्या रिस्क है बताओ अगर नहीं पे करे उनका पैसा तो ऑब्वियसली वो हमारे एसेट्स बेच देंगे सिक्योर डिवेंचर्स होते और और कोई एक रिस्क होता है डिवेंचर के साथ साथ नहीं 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 वो नहीं ये तो फंड रेजिंग चल रहा है अभी बिजनेस का रिस्क मत बात करो फंड का तक बात करो फंड रेजिंग के वक्त एक रिस्क देख रहे कौन सा रिस्क रीपेमेंट का रिस्क बट उसके अलावा एक और रिस्क होता है जब आप फंड की बात करते हो शेयर इश्यू करने से आपकी शेयर होल्डिंग कम हो गई आपकी शेयर इश्यू करने से आपकी शेयर होल्डिंग कम हो गई मतलब ये बात कर रहा है वोटिंग पावर की मतलब ओनरशिप आर यू अंडरस्टैंडिंग जब फंड रेजिंग किया जाएगा तो कंपनी का वोटिंग पावर मतलब कंट्रोल ऑफ कंपनी की बात कर रहा है कंट्रोल भी देखा जाता है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज किसका है मुकेश अंबानी मेरा भी ये मेरे पास दस शेयर रिलायंस के हाँ तो मैं भी बन गया ना पार्ट ओनर मगर हम सबको बताया कि मोटाभा की कंपनी है क्योंकि उनके पास अल्टीमेट वोटिंग पावर है उनके पास मेजोरिटी स्टेक है और अगर वो मेजोरिटी स्टेक सच में पब्लिक में बच जाएगा तुम इमेजिन करो कि रिलायंस के डिसीजन मेकिंग के लिए पब्लिक आकर डिसाइड कर रहा है तो रिलायंस बिलीव मी दो साल में बंद हो जाएगा हाँ या ना इन ट्रू सेंस कोई कंपनी कभी पब्लिक लिमिटेड होती है क्या उनका अल्टीमेट पावर डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में होता है और वो डायल्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए वट इज डायल्यूजन सर स्प्लिट हो जाना डिवाइड हो जाना जस्ट इमेजिन चलो मेरे सामने ये आप लोग जो है वो 150 लोग हैं सपोज ठीक है 150 200 पकड़ते 200 लोग हैं आप हेलो हेलो तो यस तो यहां पर सपोज के फॉर एग्जांपल फंड रेजिंग के वक्त हम बोल रहे थे रीपेमेंट का रिस्क डिबेंचर्स के केस में रीपेमेंट का रिस्क होता है क्या रिस्क होता है कि आज के, आज के से पांच साल के लिए मैंने आपको डिबेंचर इशू किए थे मतलब पांच सालों बाद बाद रीपेमेंट है बट पांच सालों बाद अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो एसेट बेचकर पैसा लिया जाएगा मतलब रिस्क तो है ना भाई अच्छा पांच सालों में कुछ नहीं होगा क्या होगा ना पांच सालों में भी तुमने क्या किया है एक कमिटमेंट ले लिया क्या चीज का कमिटमेंट लिया पीरियोटिकली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने का अब सोच तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो, तो भी करना पड़ेगा क्योंकि वो क्या बोलते हैं तू पंद्रह परसेंट कमा कि तू नौ परसेंट कमा हमको अगर दस परसेंट बोला है तो हमें दस परसेंट इंटरेस्ट चाहिए और ये क्या बन गया कमिटमेंट तो डिबेंचर्स के केस में कमिटमेंट्स दिख रहे हैं आपको इसको बोलते हैं रिस्क कैपिटल के साथ आने वाला रिस्क तो रिस्क भी देखा जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखा जाएगा और उसके साथ साथ जो उसने बताया अभी कंट्रोल कंट्रोल मतलब क्या वोटिंग पावर्स तो वो भी देखे जाते हैं ये 200 लोग मेरे कंपनी के रियल ओनर्स हैं आप लोग मार्केट हो जो बाकी लोग बैठे सब मार्केट है और ये यूट्यूब और स्ट्रीमिंग जो भी हो रहा है ये सब मार्केट है पूरा ठीक है अब मेरी कंपनी को मतलब हमारी कंपनी को आपकी कंपनी आपकी कंपनी को और पचास करोड़ रेस करना है हमारे पास चॉइस है इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू कर सकते या तो डिबेंचर इश्यू कर सकते अगर इक्विटी के साथ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या वोटिंग पावर डाइल्यूट हो जाएगी जो डिसीजन मेकिंग आज ये 200 लोगों के बीच ही है वो 700 लोगों के बीच आ जाएगा हजार लोगों के बीच आ जाएगा इसका मतलब कंट्रोल क्या हो जाएगा डाइल्यूट हो जाएगा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल वोटिंग पावर स्प्लिट हो जाना ज्यादा लोगों में बढ़ जाना उसे बोलते हैं डायल्यूजन ऑफ कंट्रोल एवरीबडी सो ये होना सही है क्या कंपनी के लिए नहीं तो तीन चीजें देखी जाती है फंड रेजिंग के वक्त आरसी रिस्क कॉस्ट कंट्रोल बोलेंगे सब लोग मेरे साथ रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल व्हाट इज रिस्क रीपेमेंट का रिस्क एंड पीरियोडिकली फिक्स्ड पेमेंट का रिस्क व्हाट इज कॉस्ट बॉनिंग किया ना तुमने या फंड रेजिंग किया है तो या तो इंटरेस्ट देना होगा या तो इक्विटी का डिविडेंड देना होगा या तो प्रिफ्रेंस का डिविडेंड देना होगा तो ये सब क्या है कॉस्ट तो रिस्क कॉस्ट एंड तीसरी चीज आती है कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोल वोटिंग पावर और अगर इक्विटी शेयर इश्यू किए करेंगे तो डायल्यूजन ऑफ वोटिंग पावर होगा बट 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 अगर इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया तो प्रेफरेंस इशू किया तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा क्या ये बताइए नहीं होगा डिबेंचर के केस के में नहीं होगा सिर्फ इक्विटी के केस में होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग तो ये सब फैक्टर देखे जाते हैं भले ही लिखते वक्त मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा है बट इसके साथ साथ और दो फैक्टर देखे जाएंगे बोलिए रिस्क एंड कंट्रोल वेरी गुड तो अगर आपका रिस्क एंड कंट्रोल बैलेंस्ड है क्या बोला दो, दो वर्ड रिस्क एंड कंट्रोल कैसा चाहिए बैलेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए लीस्ट मिनिमम तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को आपने सिलेक्ट करना चाहिए उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडवांटेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर और एडवांटेज का दूसरा शब्द है लेवरेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज एडवांटेज एडवांटेज को फाइनेंस में लेवरेज बोलते हैं तो लेवरेज कब मिलेगा आपको आरसीटीसी कैसा चाहिए रिस्क चाहिए बैलेंस्ड देखो रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेंगे इसका मतलब रिस्क तो लेना है इसका मतलब टेक हाईएस्ट रिस्क होता है क्या तो रिस्क कैसा चाहिए बैलेंस जितना तेरी कंपनी को बर्दाश्त होगा व्हाट अबाउट कंट्रोल बैलेंस्ड क्यों बैलेंस्ड पूरा 100% स्टेक मेरे पास रह सकता है क्या फंड रेजिंग करना है भाई 1% कंपनी छोड़ना बनाना है कंट्रोल डाइल्यूट होगा बट उसका भी बैलेंस वे में होना चाहिए अल्टीमेट वोटिंग पावर मेरे पास होनी चाहिए और तीसरी बात होना चाहिए कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए इसको बैलेंस मत रखो लीस्ट रखो समझे एवरीवन, आ गया पैसा कितना पर करोड़ रेस किया हंड्रेड करोड़ तो आपको लगता है फाइनेंस का मैनेजर का काम खत्म हो गया यहां पर रोल खत्म हो गया फाइनेंस मैनेजर का ऐसा है क्या बिल्कुल नहीं है डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट मिलते हैं नहीं अभिषेक नहीं मिलते हैं वोटिंग पावर डिबेंचर होल्डर कौन है क्रेडिटर ऑफ कंपनी है उनको वोटिंग पावर नहीं है इनफैक्ट प्रेफरेंस वालों को भी नहीं है अरे प्रेफरेंस वालों को सिर्फ मैटर्स कनेक्टेड विद देम उनका वोटिंग वोटिंग पावर उधर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है यस ओनली इक्विटी होल्डर्स एजीएम में इज्जत किसको है इक्विटी होल्डर्स फंड रेजिंग हो गया प्रोक्योरमेंट हो गया अब क्या करेंगे उसको यूटिलाइज करेंगे इन्वेस्ट करेंगे तो सेकंड फंक्शन फाइनेंस मैनेजर का आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स उसको नाम दिया गया है क्या बोलो क्या करते हैं इसको क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो हम क्या बोलेंगे इसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन एवरीवन इसे बुलाते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या करना टारगेट क्या है आपका जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका टारगेट रिटर्न के बारे में कैसा रहेगा बैलेंस्ड या मैक्सिमम मैक्सिमम बैलेंस क्यों भाई ज्यादा रिटर्न मिल सकता है तो ज्यादा कमाना रिस्क बैलेंस रख रिटर्न बैलेंस मत रख रिटर्न मैक्सिमम रख तो यहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम रिटर्न्स का आर यू अंडरस्टैंडिंग यूटिलाइजेशन कितने टाइप के मालूम है आपको यूटिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है बिजनेस में एवरी <coughs> बोलिए पूरा पैसा ऑप्टिमम यूज होगा इन्वेस्टर का अक्यूमुलेटेड फंड है ऐसी वेस्ट नहीं करेंगे पूरा पैसा ऑप्टिमली यूज करेंगे बट टाइप बोल रहा हूं मैं दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है डे टू डे वर्किंग के लिए यूज होता है यस, yes, उसे क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल वेरी गुड जो डे टू डे एक्टिविटी में पैसा इन्वेस्ट हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल तो यहां पर हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन दो टाइप के एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा क्या है लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल तो फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना चाहिए सो फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन यहां पर क्या आएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर डे टू डे वर्किंग में लगा हुआ पैसे को बुलाएंगे वर्किंग कैपिटल तो इसका मतलब एक और कैपिटल होता है क्या लेजी कैपिटल एक वर्किंग एक नॉन वर्किंग नॉन वर्किंग और लेजी फिक्स्ड कैपिटल होता है वेरी गुड तो जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरीवन तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना इसका नाम है अकाउंट्स की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दे इंपॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों भाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन रीजन की वजह से मेनली बहुत से रीजन है बट तीन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा मुझे बोलो शादी का डिसीजन इंपोर्टेंट होता है क्या है ना है, शादी का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है सोच समझ के लेना चाहिए क्यों भाई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एक बार शादी का डिसीजन ले लिया तो उसका इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए झेलना है या तो You know? <laughs> आप समझ रहे हो तो आज का फैसला आपकी जिंदगी बेस्ट या वेस्ट कर देगा तो भाई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है दूसरा शादी का फैसला इंपोर्टेंट क्यों है <laughs> <laughs> सैड लाइफ जी रहे टैक्स प्लानिंग मैडम को पूछो मैडम लास्ट बेंच नीचे 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 जाओगे तुम नीचे गिर जाओगे बोलिए शादी के फैसले इंपॉर्टेंट होते हैं क्या मैडम नहीं होते हैं ऐसे ले लेना ले ले चाहिए ले लो सर शादी के फैसले इंपॉर्टेंट है बोलिए आउटपुट आउटपुट अभी अभी शादी फिक्स होने वाली है। हो। तो आउटपुट के बारे में सोच रहा है एक नंबर वन है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नंबर टू है इंडिया में शादी हो रही है भाई शादी जन्मों की शादी होती है तो मतलब इसिबल रिवर्सिबल नेचर का डिसीजन है ये और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इंडियन शादी है तो खर्चा तो बहुत होगा खर्चा होगा तो सोच समझ के कर अगली शादी में तो खर्चा भी नहीं करेंगे लोग तो तीसरा रीजन क्या है ह्यूज इन्वेस्टमेंट तीन रीजन क्या है बताइए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इिवर्सिबल नेचर Huge शादी भूल जाओ इधर सोचो कैपिटल एक्सपेंडिचर सोचो सेम तीन रीजन मिलेंगे आपको अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो तो आपको पहली चीज जो भी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन रिवर्सिबल है मतलब एक बार एसेट वैसे परचेस कर दिया तो एक दो बीस दिन बीस दिन तीस दिन बाद एक महीने बाद बोलोगे नहीं आप बोर लग रहा है वापस कर दो कैपिटल लॉस होगा मैं एसेट की बात कर रहा था क्या सोच रहे तुम बोलोगे वापस कर एसेट के बारे में सोचो और तीसरी बात ह्यूज <coughs> इन्वेस्टमेंट आप नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अमाउंट देखो बड़े अमाउंट होते हैं बहुत और अगर इतना बड़ा अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो आपकी कंपनी से जा रहा है तो सोच समझ के फैसले लेने चाहिए सो so, तीन रीजन बोलिए एक बार लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इिवर्सिबल एंड थर्ड रीजन इज यूज इन्वेस्टमेंट तो अगर यह तीन इंपॉर्टेंट रीजन है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इवेल्युएट करने के लिए फाइनेंस मैनेजर हैजू भी एक्स्ट्रा केयरफुल और वो इवेल्युएट करने के लिए वो टेक्निक यूज करता है जिसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या बोलते हैं उसे इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का फैसला लेने के लिए जो टेक्निक यूज होते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमने एक पर्टिकुलर मशीन खरीदना है नहीं खरीदना है मशीन वन खरीदना है या मशीन टू खरीदना है यह फैसले हम किस से लेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक से लेंगे और इसके साथ साथ इसी के साथ साथ कैपिटल बजटिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे रिस्क एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि जब हम बड़े फैसले लेते तो हैं तो हम प्रॉपर के अंदर अंडरस्टूड yes. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए क्या करना है कैपिटल बजटिंग है और रिस्क एनालिसिस करना है अंडरस्टूड तब जाके आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के फैसले ले पाओगे अच्छे से तो एज अ फाइनेंस मैनेजर हमने क्या किया डे डे टू वर्किंग के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल किया और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए हमने क्या किया कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने क्या यूज किया कैपिटल बजटिंग टेक्निक एंड रिस्क एनालिसिस किया डे टू डे वर्किंग जो शॉर्ट टर्म है ना इसके अंदर एक और चीज पिक्चर में आती है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के साथ साथ वो है डिविडेंड के फैसले इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन आर दे इंपोर्टेंट क्या होता है डिविडेंड डिसीजन कितना प्रॉफिट का पार्ट एज ए डिविडेंड बांट देना है पब्लिक में इन्वेस्टर्स में और कितना रिटेन करना है कंपनी में खुद के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या लगता है जितना कमाया सब बांट दे जितना कमाया सब रिटेन कर ले पॉसिबल है सेकेंड पार्ट जितना कमाया ना सब रिटेन किया हुआ पॉसिबल है ऐसे बहुत से कंपनीज कंपनीज है जाने माने है जो लोग डिविडेंड देते ही नहीं एम आर एफ एटी फाइव थाउजेंड का शेयर कितने का डिविडेंड दिया दो रुपए दो रुपए का डिविडेंड दिया सोचिए मतलब डिविडेंड भी क्यों दिया दो रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया ऐसे होते हैं क्योंकि क्या है पता है ये कंपनी जानती है कि कंपनी के डिविडेंट अगर इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो कंपनी का कैश फ्लो कम होगा और इससे री इन्वेस्टमेंट बिजनेस के कम हो जाएंगे ना पैसा नहीं रहेगा कंपनी के पास और अगर ये प्रॉफिट के फॉर्म में खुद के पास रखे जाएगा एज रिजर्व्स एंड सरप्लस डिविडेंड नहीं दिया जाएगा खुद के पास रखेंगे तो री इन्वेस्टमेंट भी तगड़ा करेंगे और कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़ेगा समझ में आ रहा है कौन सी कंपनी ग्रो होती है इसका मतलब जो डिविडेंड्स कम देती है और प्रॉफिट रिटेंशन ज्यादा करती है वो कंपनी बहुत ग्रो होती है क्यों सर मगर क्योंकि री इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना उस कंपनी में आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग यस तो ये सब आपके डिविडेंड फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ग्रोथ रेट डिटरमाइन करने के लिए डे टू तो डे एक्टिविटी में मतलब एवरी ऑन ईयर बेसिस पर डिविडेंड के फैसले लिए जाएंगे और शॉर्ट टर्म के नेचर में जो पैसा इन्वेस्टर होता है बिजनेस में वो भी मैनेज किया जाता है जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे अच्छे से तो फंड लाया आपने और उसे इन्वेस्ट किया बराबर फंड लाने को क्या बुलाया आपने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जो पैसा लगा दिया बिजनेस में उसे क्या बुलाया इन्वेस्टमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बिजनेस में पैसा कम कॉस्ट से लाया जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा चाहिए कम चाहिए और जो पैसा लगाया जाएगा वो ज्यादा रेट से इन्वेस्ट होना चाहिए कहने से इनके बीच जितना गैप ज्यादा रहेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा आर यू जेपिंग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं यस yes, कि भाई जितना कम कॉस्ट जितने रिटर्न्स ज्यादा उतना प्रॉफिट भी ज्यादा एवरीवन एंड ये होना चाहिए ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने के लिए थर्ड फंक्शन लास्ट फंक्शन इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कंपनी का परफॉर्मेंस यहां पर इवेल्युएट होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन यूजिंग वॉट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मतलब कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा चल रहा है स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट किया जाएगा और बापर यहां पर हम लोग एक्चुअली दो टाइप के परफॉर्मेंस इवेल्यूशन करते हैं एक अपनी का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के साथ हमारा कंपैरिजन हमारे साथ ही हो रहा है 2022 में मैं क्या, क्या हूं इसको क्या बुलाएंगे इंट्रा फर्म इंट्रा बुलाते से. क्या बुलाते? इंट्रा फर्म और दूसरा होता है हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस इस साल में हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले क्या है इसको बोलेंगे इंटर फर्म तो दो कंपैरिजन कौन से हो गए इंट्रा फर्म इंटर फर्म आप सबने इंटर कॉलेज इंटर स्कूल सुना होगा कॉम्पिटिशन तो इंटर कॉलेज में दो कॉलेजेस होते हैं इंटर स्कूल में भी दो स्कूल होंगे इसका मतलब क्या हुआ सेम ईयर में दो अलग स्कूल में जब कॉम्पिटिशन होता है इंटर स्कूल बराबर सेम लॉजिक इधर भी है यहां पर इंटर फर्म आ जाता है तो ही ईयर में 2023 में मेरा परफॉर्मेंस मेरे कॉम्पिटिटर के साथ कैसा है क्या बोलाएंगे इसे इंटरफॉर्म एंड व्हाट अबाउट कि मेरा परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के मुकाबले कैसा है इंट्राफॉर्म तो ये दो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होते हैं और इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उस टेक्निक का नाम है रेशो एनालिसिस नाम सुना है क्या आपने रेशो एनालिसिस स्टॉक मार्केट में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो और कुछ नहीं है क्या है रेशियो रेशियो एनालिसिस एनालिसिस तो व्हाट इज जो आप बोल रहे हो ना अकाउंट्स में जो आप स्टेटमेंट uh, बनाते हो ना बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल इन सब को यूज करके इनका एनालिसिस किया जाता है ताकि ये जान पाए कि हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेशो एनालिसिस इसी को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट बस थोड़ा और डिटेल में होता है वहां पर <coughs> तो ये सब इस तरीके से होना चाहिए इसके साथ साथ और एक दो टेक्निक यूज होती है एक तो आउटडेटेड हो गया जिसको बोलते हैं फंड फ्लो एनालिसिस अब सिलेबस से भी नहीं है सिलेबस में भी नहीं है और रियल लाइफ में भी यूज नहीं होता है क्योंकि इससे बेटर टेक्निक आपने ग्रुप वन अकाउंट में सीखा है कैश फ्लो एनालिसिस जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट एस थ्री डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड यस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यस तो वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है वो एनालिसिस का टूल है बट आपके एफएम के सिलेबस में नहीं है वो क्योंकि ग्रुप वन अकाउंट में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है अंडरस्ट ये जो भी आप स्क्रीन पे देखे हो ये पूरे फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर जो भी मैंने आपको समझा है इतने टाइम तक दिस इज योर सिलेबस फॉर सी ए इंटर एफ एम तो हमने क्या किया आज फर्स्ट डे ही पूरा सिलेबस समझ लिया पूरा सिलेबस हो गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो जिन लोगों ने जिन लोगों ने फीस वगैरह भर दिया है थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू और जो लोग डेमो देखने आए थे तो अभी फीस भर देना इधर क्योंकि सिलेबस तो पढ़ लिया आपने तो गाइज दिस इज एक्चुअली योर सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस हमने फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि हम सिलेबस में एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं फंड प्रोक्योरमेंट के के क्या क्या पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे एवरीथिंग ओके एंड डोंट वरी अबाउट दिस नोट्स ये नोट्स एवरी डे बेसिस पर मैं आपको शेयर करते रहूंगा ठीक है तो ये नोट्स लिखना है आपको ऑब्वियसली लिखना है अभी बट ये नोट्स का सॉफ्ट कॉपी जो रहेगा वो आपको मिलते जाएगा <coughs> तो कोई पार्ट अगर आपको कभी भी रेफर करना होगा तो आपके पास अवेलेबल रहेगा अब मुझे बताएंगे आप लोग कि actually ये जो देखा आपने इसमें ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड देखा ना आपने ये और कुछ नहीं आपके बैलेंस शीट का लाइब्रिटी साइड था और जो यूटिलाइजेशन देखा वो एसेट साइड था एवरी वन कैसे सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बोला मतलब फिक्स एसेट्स शॉर्ट टर्म बोला मतलब करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या पता है आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ओनली करंट एसेट्स पे अटेंशन लिखना नहीं अभी ध्यान दो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला मतलब क्या होता है ओनली करंट एसेट्स बट वेन आई से नेट वर्किंग कैपिटल या ओनली वर्किंग कैपिटल

ये जो आपका बुक है ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है मतलब इसी में आपके सोल्यूशन वगैरह सब कुछ आएंगे तो आपको नोटबुक की ऐसा जरूरत नहीं है ऐसा लिखा है उधर बट आप एक नोटबुक बनाओगे जो बहुत छोटी रहेगी 200 हंड्रेड पेजेस मैक्स वन पेजेस भी बहुत हो गए ठीक है वन फिफ्टी टू टू पेजेस का बुक बनाना और उस बुक में आपको जनरली जो मैं लिखा के दे रहा हूं ऐसा पार्ट ये भी लिखने के, के लिए काम में आएगा या जनरल आपको लग रहा है कि ये सर ने बोला है मुझे लिखना है तो वो लिखने के लिए काम में आएगा बाकी सॉल्यूशंस आपके जो रहेंगे वो मेरे साथ ही मेरे बुक में ही टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे आप। आपके पास सिर्फ दो चैप्टर ऐसे रहेंगे जिसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं दिया है। नंबर वन राहुल दो चैप्टर है जिसके लिए सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं दिया है। पहला रहेगा आपका कैपिटल बजटिंग और दूसरा रहेगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ये दो चैप्टर आपको कोई जगह नहीं दिया बिकॉज यहां पर हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग बनेगा इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली दो टू एवरी क्वेश्चन हैज डिफरेंट फॉर्मेट टू सॉल्व तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे क्लास में उसके लिए आपको नोटबुक की जरूरत गिरेगी बाकी जहां पर भी हो सके वहां पर मैंने आपको स्पेसेस दी है जो भी नॉर्मल फॉर्मेट से जो रिपीटेडली रिपीटेडली एक ही फॉर्मेट टाइप बन रहा है तो उसके लिए मैंने आपको रेडीमेड फॉर्मेट भी दिया हुआ है बट कुछ कुछ जगह आपको फॉर्मेट मिसिंग दिखेंगे उसके अंदर भी तो जो जो जगह आपको फॉर्मेट मिसिंग दिखेंगे वो वो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है तो तो उसके लिए मैं रेडीमेड फॉर्मेट तो आप घर पे बैठे हो तो टाइम ही टाइम है क्लास का टाइम बचाने के लिए दिया हुआ है तो इसलिए आपको उस टाइप का कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिखेंगे और कुछ टाइप में आपको फॉर्मेट रेडी दिखेंगे ठीक है दो चैप्टर है जिसके लिए जगह नहीं दी है डोंट वरी वो आपके नोटबुक में आपको सॉल्व करना है और एक इंपॉर्टेंट बात छोटा सा एक बुक खरीदना है आपको पंद्रह रुपए का बीस रुपए का जो बच्चों वाला बुक होता है ना थर्ड स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में जो मिलता है इतना छोटा सा बुक हार्डली तीस पेज चालीस पेज का वो डायरी टाइप उसमें आपको फॉर्मूला लिखना है अपडेट करना है एवरी डे बेसिस पर सोने से पहले क्या करेंगे आप लोग लेक्चर में जितने भी टाइम में हमने जितने भी फॉर्मुलेस पढ़े हैं वो आपको फॉर्मूला बुक में अपडेट करना है करोगे ना yes, और वो फॉर्मूला बुक एवरी डे बेसिस पर अपडेट करोगे और क्लास में कैरी करोगे yes. मैं रैंडमली कभी भी किसी को भी पूछ सकता हूँ कि, कि आप उसे बुक को बाहर निकालोगे नहीं बैग से आप हर वक्त उसे कैरी करोगे साथ में उसका दूसरा रीजन ये भी है कि कहीं पर अगर आप कोई वेटिंग में हो बस में हो कहीं पर भी आपको पढ़ना है तो छोटा सा बुक है निकाल लो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा रिवाइज इतनी बार करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो फॉर्मलेज हमें याद हो जाने चाहिए रट्टा नहीं मारना है बट फॉर्मूला बुक बनाएंगे हम लोग सब लोग तो आपको 200 पेज का एक नोटबुक बनाना है और एक डायरी फॉर्म में छोटा सा फॉर्मूला बुक बनाना है आज से शुरू करेंगे आज से क्योंकि आपने एफ का पहला फॉर्मूला आज सीख लिया है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज वेरी गुड लेट्स राइट दिस नाउ लिखते हैं? लिखो फाइनेंशियल <coughs> मैनेजमेंट मैं भी लिखता हूं आपके साथ चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला पार्ट क्या लिखोगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का दूसरा नाम वेरी गुड फाइनेंसिंग फंक्शन फाइनेंसिंग फंक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का दूसरा नाम है फाइनेंसिंग फंक्शन फाइनेंसिंग के अंदर हम लोग सबसे पहला एलिमेंट क्या देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस मतलब क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास डेट इक्विटी प्रेफरेंस वो सब चीजें उधर आती है तो यहां पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ of... ये क्या है टाइप्स ऑफ फाइनेंस एग्जाम्पल अगर चाहिए तो लिख सकते हो आप इक्विटी प्रेफरेंस डेट इक्विटी प्रेफरेंस डेट ये सब एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप टाइप्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी प्रेफरेंस डेट देन उसके बेसिस पर हम लोग इवेल्युएट कर, कर क्या फाइनलाइज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर सब लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी गुड मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी गुड लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड मिक्स ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए लेवरेज गिविंग होना चाहिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज वेरी गुड एडवांटेज लेवरेज मतलब एडवांटेज लेवरेज गिविंग होना चाहिए लेवरेज गिविंग कब होगा जब आप तीन एलिमेंट देखोगे आर सी सी एवरी वन वट वॉज दैट रिस्क कॉस्ट कंट्रोल रिस्क कैसा चाहिए वेरी गुड बैलेंस चाहिए बिकॉज रिस्क ज्यादा लेंगे रिटर्न ज्यादा आएंगे बट रिस्क लेना पड़ेगा ना तो कंपनी के हैसियत के हिसाब से रिस्क लिया जाएगा तो उसे बोलते हैं बैलेंस रिस्क कंट्रोल डाइल्यूट करना पड़ेगा बट एक लिमिट तक इसलिए बोलते हैं बैलेंस बट कॉस्ट मिनिमम चाहिए बैलेंस क्यों रखेंगे सस्ते में पैसा मिल रहा है तो महंगे से क्यों ले सिंपल बात है ना तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए मिनिमम चाहिए लिस्ट चाहिए करेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम शुड बी लिस्ट और रिस्क एंड कंट्रोल के बारे में इधर लिखा नहीं है बट पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिस्क एंड कंट्रोल इधर लिखा नहीं है बिकॉज सिलेबस का कोई चैप्टर नहीं है जिसका नाम है रिस्क या कंट्रोल नाउ प्रोक्योरमेंट हो गया अब क्या करेंगे पैसों को यूटिलाइज करेंगे उसे बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स व्हाट इज दैट इन्वेस्टमेंट फंक्शन एवरीबॉडी इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसा होना चाहिए दोस्तों दैट शुड गिव यू हाउ मच रिटर्न मैक्सिमम रिटर्न तो यहां पर टारगेट हमारा एक ही रहेगा हम कमाएंगे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मैक्सिमम रिटर्न यूटिलाइजेशन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दिख नहीं रहा क्या वहां पर ठीक है अभी दिख रहा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सो शॉर्ट टर्म में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करना पड़ेगा सो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें कुछ फैसला लेना होता है डिविडेंट रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं तो यहां पर हम बोलेंगे डिविडेंट डिसीजन ये शॉर्ट टर्म में हो गया लॉन्ग टर्म में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसे बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दे इंपॉर्टेंट येस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कितने रीजनस है yes. तीन रीजन है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस के एंगल से नंबर वन रीजन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यस इिवर्सिबलेंट एंड थर्ड इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट शादी बोला तो सब याद आ गया यूज इन्वेस्टमेंट तो तीन इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये फैसले इंपॉर्टेंट होते कंपनी में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंस मैनेजर ने क्या टेक्निक यूज करना चाहिए कौन से टेक्निक कैपिटल बजटिंग टेक्निक कैपिटल बजटिंग टेक्निक उसके साथ साथ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग लिखो क्योंकि बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर्स है उन्हीं के बारे में रिस्क की बात चल रही है तो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट टर्म के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड रिलेटेड फैसले करेक्ट एनी डाउट यहां तक के स्टोरी में कोई डाउट अब ऐसा होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना जरूरी है तो लास्ट फंक्शन बीच में आएगा वो रहेगा परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन परफॉर्मेंस इवेल्यूशन कितने टाइप के हैं दो टाइप के हैं। एक इंटर इंट्रा इंटर मतलब क्या कॉम्पिटिटर्स के साथ का परफॉर्मेंस सेम ईयर में उसे बोलते हैं इंटर फॉर्म बिटवीन टू फॉर्म्स वेर एज लास्ट ईयर और अभी साल ये बन गया इंट्रा क्योंकि कंपनी एक ही है दो अलग ईयर से मेरा ही परफॉर्मेंस 2022-23 बन गया इंट्रा बट 23 में मेरा परफॉर्मेंस मेरे, मेरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले बन गया इंटरफॉर्म परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन के लिए जो टेक्निक आपके सिलेबस में है वो है रेशो एनालिसिस बट इसके अलावा रियल लाइफ में यूज होता है फंड फ्लो एनालिसिस कैश फ्लो फंड फ्लो आउटडेटेड हो गया कैश फ्लो आप यूज करते हो ग्रुप वन अकाउंट्स में आपने पढ़ा है वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए यहां पर नहीं आएगा बट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कैश फ्लो एनालिसिस भी किया जाता है तो रेशियो एनालिसिस एवरीवन अगर आप आपका बुक का इंडेक्स देखोगे तो बुक के इंडेक्स में ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्या है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं उसको बोलते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर का नाम है लेवरेज सेकेंड चैप्टर का नाम है लेवरेज थर्ड चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर फोर्थ चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिफ्थ चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग मतलब रेश एनालिसिस। सिक्स चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सेवेंथ चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स एट चैप्टर का नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग नाइन्थ चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन एंड टेंथ चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ओवरऑल पूरा का एफ एम का सिलेबस क्लियर तो ये जो सिलेबस है ये हम लोग पढ़ने वाले। इसमें से आज हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, करेंगे. का नाम क्या है? ठीक है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे सब लोग रेडी है जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं चैप्टर का चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे आपको मैं ये भी बात बता देता हूं कि एफ में जो सिक्सटी मार्क्स होते हैं उसमें से प्रैक्टिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट कितना लगता है आपको प्रैक्टिकल पार्ट एफएम का कितने मार्क्स के लिए आता होगा पचास मार्क का आता है थ्योरी पार्ट सिर्फ दस मार्क का आता है तो दस मार्क का ही थ्योरी टेंशन मत लीजिए जितना क्लास में डिस्कशन होगा वो सब रिटेन कर लो थोड़ा बहुत पढ़ लेना एग्जाम के पहले वगैरह और उसके बेसिस पर थ्योरी प्रिपेयर कर हो, जाए, हो जाएगा दो चार मार्क का थ्योरी नहीं आएगा टेंशन मत लेना क्योंकि उसकी मेहनत तुम डाइवर्ट कर सकते हो प्रैक्टिकल पार्ट पर और ये जो प्रोपोर्शन है भगवान के दया से अभी तक चेंज नहीं किया इंस्टीट्यूट ने कभी पचास और दस को पचास और दस ही रखा है ई में ये लोग चेंज करते हैं वो भी पहली बार चेंज किया लास्ट दो एग्जाम में अदरवाइज ई का भी प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट थ्योरी पार्ट लगभग 14 का प्रैक्टिकल पार्ट आता है और बचा हुआ 26 मार्क्स का थ्योरी आता है इस बार इनवर्स कर दिया वो अलग बात है तो होता है ऐसा कभी कभी सरप्राइज राइट अमित सर की भाषा में तोड़ की भाषा में सरप्राइज है ना तो यहां पर एफ एम विफ ये ओवरऑल पार्ट है तो हम लोग खत्म कर लेंगे और, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बैठेंगे थ्योरी पार्ट के अंदर जो भी रहेगा आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि यहीं पर रिटर्न हो जाए आपको और घर जाके एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट एज फार एज फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न प्रैक्टिकल पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर का क्या है चैप्टर वन के अंदर जिसका नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है Yes, वही किस्से जो तुमने छोड़ के आए थे आधे अधूरे किस्से जो तुमने छोड़ के तुम्हें लगा बच गए और यहां पर फिर से मिला सरप्राइज तो यहां पर जब हम पढ़ेंगे ना तो आपने फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पढ़ा है ये अजम्शन मैं कभी नहीं करूंगा ये स्क्रैच से जीरो लेवल से स्टार्ट होगा ठीक है क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे ना रियलिस्टिक अजम्पशन से पढ़ेंगे और वही रियलिटी है और किसी को लगा नहीं सर, मेरा मेरा मतलब मतलब मैथ्स बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त है है सर है। कोई बात नहीं बट फिर भी सुन ले टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्क्रैच से ही होने वाला है जो जो चीजें कहीं ग्रुप वन में भी कनेक्ट हो रही है ना मैं उसे वहां का कंसेप्ट भी पढ़ाकर यहां पर वापस से रिलेट कराऊंगा क्योंकि आपने ग्रुप वन में बहुत से सब्जेक्ट में देखा रहेगा ये आप एफ में पढ़ोगे आप एफ में पढ़ोगे आपको भी लगा रहेगा भाई में क्या क्या पढ़ने वाले डायरेक्ट so कनेक्शन तो है टाइम तो के, तो के साथ ही और बाकी भी बैच का टाइमिंग से बाकी कनेक्शन भी कॉस्टिंग के साथ डायरेक्ट है तो नो डाउट अबाउट इट बाकी सब्जेक्ट का नॉलेज यहां पर रिक्वायर्ड है बट बट जब भी बाकी सब्जेक्ट का कोई भी कंटेंट रहेगा ना वहां का मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि आपको आता है मैं वो भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद यहां पर अपन पढ़ेंगे एंड दैट विल बी बेस्ट बिकॉज जिनको आता है उनके लिए रिविजन और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो मैं देव मानुस है ना ये सब्जेक्ट को मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना करूंगा दैट्स माई प्रोमिस एंड यू विल स्कोर फंटास्टिक इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन मैं पढ़ा रहा हूं रीजन नंबर वन और रीजन टू की फाइनेंस है भाई फाइनेंस मतलब पैसा है पैसों से सबको प्यार रहेगा तो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट से प्यार होने ही वाला है आपको तो आपको बस ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा मैं बोर्ड प्यार हो जाएगा आपको एवरी डे यू विल बी ईगरली वेटिंग कि कुछ अच्छा पढ़ेंगे आज ठीक है <laughs> चलिए तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर लेते आज चलो बंद कीजिए ना गर्मी हो रही है आप एसी बंद है वाह तो हम लोग ये डिटेल में कवर करेंगे बट अभी आप सुन लीजिए एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इट इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इट इंपॉर्टेंट इसमें बहुत बड़ा बहुत बड़ा नॉलेज है आपके रियल लाइफ के अंदर भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके अंदर दो टेक्निक्स यूज करते हैं हम लोग किसी को पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टू टेक्निक्स वन इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग टेक्निक अदर इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग टेक्निक ऑल ऑफ यू कवरेज एरिया में हो आप सर्वेलेंस में हो <coughs> नहीं गुड मॉर्निंग नहीं लगे थे थोड़ा <coughs> बहुत हार्ड है फोकस करना है ना तो उसमें से जो कंपाउंडिंग टेक्निक है ना दोस्तों दैट कंपाउंडिंग टेक्निक कंपाउंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड मैं आपको एग्जांपल देता हूं चलो कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल कि दो लोगों का एग्जांपल लेंगे हम लोग जो दो लोग इस एग्जाम्पल में रहेंगे दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया ठीक है माइक ऑन कर सकते आपके आंसर्स के लिए ठीक है दो लोगे, दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया एक, एक लाख दूसरा पर्सन आल्सो एक लाख ठीक है आई एल राइट हियर सो देट थोड़ा सा विजुअलाइजेशन पावर आपका प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो देख लो ए और बी ए कार्तिक मिस्टर एके आपका नाम गौरी तो कार्तिक एंड गौरी आपने क्या किया मुझे वन लाख रुपीस दिया सोचो दिया भरोसा कर लिया और दे दिया डोंट वरी सेफ है पैसा ठीक है और एक एक लाख रुपए दोनों ने दिया दोनों को मैंने बोला कोई बात नहीं मैं आपको रिटर्न दूंगा एट द रेट पर 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 भी बोल ठीक है है का रिटर्न क्या लगता तू सेविंग में करेगा पैसा उड़ाने मतलब भाई उसके लिए जिगर चाहिए जिगर उड़ाना बोलना नहीं आना चाहिए उड़ाना एक्चुअली आना चाहिए जब आएगा तब तो देखनेगा मगर पक्का उड़ाएगा उड़ाएगा गौरी तुम क्या करोगे सेव करोगे मगर उड़ाओगी भी ठीक है तो एक काम करते हैं गौरी को पूरा सेविंग का रोल दे देते दे। गौरी ने बोल दिया और कार्तिक, ठीक है? तो मान लीजिए कि एवरी ईयर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है ना मेरी तरफ से मैं जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं इंटरेस्ट वन टू थ्री डॉट 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 कब तक चलेगा दस साल का लाइफ है सपोज इन्वेस्टमेंट स्पैन कितना है दस साल और यहां पर भी गौरी को भी हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर डॉट 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 कहा तक देंगे दस साल ठीक है कार्तिक बोल रहे सर फर्स्ट सर फर्स्ट इंटरेस्ट दो मैं ओके ले लो, हजार रुपए कार्तिक ने क्या किया पंद्रह हजार से उड़ाया है मतलब क्या किया कुछ तो क्या रहेगा वेकेशन गया। फर्स्ट ईयर वेकेशन सेकेंड ईयर फिर से रशिया के पंद्रह हजार में भेज, भेज रहे हो बेचारे को ओके सेकेंड ईयर वापस पंद्रह हजार मिला आपको वेकेशन के अलावा और क्या करोगे बोल भाई पंद्रह हजार एक्चुअली मिले सोच अभी क्या करेंगे सर नया ब्लेजर खरीदूंगा सर नया ब्लेजर खरीदेगा ब्लेजर खरीदेगा भाई, भाई। थर्ड ईयर क्या करेगा और पंद्रह हजार मिला है एक और वेकेशन सर एक और वेकेशन मतलब घूमता बहुत है भाई है। कुछ तो बाहर लोचा है कुछ तो वेकेशन वेकेशन ठीक है अकेला जाएगा दो लोग जाएंगे सर पंद्रह हजार में पंद्रह हजार में अकेला जाएगा ठीक है गौरी को पास करो माइक गौरी पंद्रह हजार मिला है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तुम क्या करोगे सेविंग करो बोला ना तुमने हाँ। तो तुम क्या करोगे बेस्ट पार्ट क्या रहेगा मेरे पास तुम्हें मिल रहा है पंद्रह परसेंट तो क्या बोलोगे तुम पंद्रह हजार क्या करना चाहोगे पास मेरे पास से लेकर कहीं पे आपको ड्रॉर वगैरह में पैसा रखना है आपके घर में नहीं फिर मेरे पास वापस इन्वेस्ट करोगे हाँ। देखो क्या कमाना चाहते हो आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हाँ कंपाउंडिंग बाय एट वर्ल्ड यूज कर रही हो कंपाउंडिंग करेगी यहां पर एक लाख पंद्रह हजार का उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली उसको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पंद्रह हजार मिला था मगर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट उसको पंद्रह हजार नहीं मिलेगा सत्रह हजार दो सौ पचास वापस से एक पंद्रह में ऐड हो जाएगा सत्रह हजार दो सौ पचास कैसे मिला कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं बता देता हूं आपको एक लाख पंद्रह हजार पे पंद्रह परसेंट तो फिर अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट ही बन जाएगा वन लाख थर्टी टू थाउजेंड टू फिफ्टी और इस तरीके से थर्ड ईयर के ऊपर तो भाई कमाल नाइनटीन थाउजेंड एट थर्टी थर्टी एट ले लो राउंड ऑफ देते हैं, हम लोग इंटरेस्ट का भी चिल्ले पैसे में नहीं देते राउंड ऑफ देते और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको जोड़ दो एक बार वन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड एटी एट और ऐसे डॉट 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 चलते जाएगा यहां पर कार्तिक का स्टोरी चल रहा है यहां पर गौरी का स्टोरी री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट चल रहा है आप सोच के और जान के हैरान हो जाओगे कार्तिक के पास ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एक लाख और इंटरेस्ट भी टेंथ ईयर में फिफ्टीन थाउजेंड ही मिलेगा बराबर है कि नहीं गौरी आपके पास टेंथ ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा वो रहेगा चार लाख चार हजार पांच सौ राउंड फिगर उंड फिगर राउंड फिगर चार लाख चार हजार पांच सौ एंड इस पर लास्ट ईयर का इंटरेस्ट मानू में आपको कितना मिला है इस पंद्रह परसेंट कितना हुआ इस पे दिया तुमने इंटरेस्ट चार लाख चार हजार रुपए दिया नहीं नहीं इससे पहले वाले साल का इंटरेस्ट कितना था मानू में आपको इसके जस्ट पहले साल वाला इंटरेस्ट जो टेंथ ईयर का इंटरेस्ट था वो कितना फिफ्टी टू थाउजेंड सेवन सिक्स एट का इंटरेस्ट था लास्ट ईयर का जिसको जोड़कर ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आर यू एवरी वन सोचो दस साल की स्टोरी में सिर्फ एक लाख के साथ अगर ये पॉसिबल है दस साल की स्टोरी एक लाख के प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अगर ये मैजिकल फिगर्स पॉसिबल है तो इमेजिन करो कि आपके लाइफ में कितने साल बाकी है और आप कितना कुछ कर सकते हो हम क्या कर सकते सर हम कुछ नहीं कर सकते पैसा ही नहीं है सर ऐसा नहीं है एस आई पी शुरू होती है एक सौ रुपए से भी और पांच सौ रुपए से भी कुछ कुछ फंड जिसमें हजार दो हजार का एस आई पी मिनिमम होता है बट बाकी मैक्सिमम एस आई पी जो होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड स्टार्ट विथ वॉट ओनली हंड्रेड और टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड थाउजेंड तो आप क्या कर सकते हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज कर सकते हो थोड़ा सा आपके पॉकेट मनी से अगर आप एस आई पी शुरू कर दोगे तो बहुत बेनिफिट होगा और बोले सर क्या फायदा सर इन्वेस्टमेंट करके सर उड़ाओ सर चलता है सर है ना एक एग्जाम्पल एक ही जिंदगी मगर बिकारी जैसे नहीं जी सकते ना भाई जिंदगी को भी जीने के लिए पैसा चाहिए जबरदस्त जिएंगे उड़ाने के लिए पहले अकलमंदी से इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा

एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका क्या नाम है रौनक रौनक और श्री दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं रौनक आपने और श्री ने मतलब उम्र के ट्वेंटी इयर्स से कमाना शुरू कर दिया और दोनों ने बोला भाई एक काम करते सिर्फ चालीस तक ही कमाएंगे और 40 के बाद रिटायर होकर अपन वैकेशन घूमेंगे पैसा भी रहेगा और फिर रशिया वगैरह सब पॉसिबल है ना कार्तिक घूमने गया था ना हाँ, तो 20 तो तो साल तक कमाना शुरू और अगले 20 साल तक ही क्या किया इन्होंने इन्वेस्ट करके कमाया इन्वेस्ट किया कमाया इन्वेस्ट किया चालीस साल में दोनों रिटायर हो गए ठीक है बट इस प्लान में श्री ने एक गड़बड़ कर दी श्री ने क्या किया साल लेट इन्वेस्टमेंट किया और रौनक फर्स्ट ईयर से ही सिंसियर था मतलब बीसवे साल से ही सिंसियर हो गया अब साल में कमाना शुरू शुरू इन्वेस्टमेंट कमाना शुरू इन्वेस्टमेंट शुरू राइट यू डिड दैट एंड तुमने क्या किया उसको देखा और बोला नहीं यार मैं कार्तिक के साथ घूम रहा हूं तो थोड़ा एक दो साल लेट शुरू करूंगा एक दो साल बोलते बोलते आपके पांच साल निकल गए ठीक है और आपको मालूम है इससे क्या हुआ ये पूरे केस में क्या हुआ ऐसा है कि भाई दोनों ने डिसाइड किया था बीस बीस हजार इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ अब कमा रहे तो उस कमाई से पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर रहे बीस हजार बीस हजार पर मंथ और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एट द रेट सपोज 14 से हो रहा है यहां पर भी फोर्टीन परसेंट पर एनम से इन्वेस्ट हो रहा है बट रौनक क्या कर रहा है फर्स्ट ईयर से ही बीस साल तक इन्वेस्ट कर रहा है मतलब उसके उम्र के ट्वेंटी से फोर्टी तक अगर आपको फर्स्ट ईयर कंफ्यूजन लगता है तो ट्वेंटी का इन्वेस्टेड कितना है श्री निकल बीस हजार पर मंथ इंटू ट्वेल्व मंथ इंटू फिफ्टीन बोलो श्री का पूछा मैंने श्री का तो ये में श्री ने थर्टी सिक्स लैक्स का प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है और रौनक ने ये इन्वेस्टमेंट ये पीरियड में कितना किया 48 का किया है एवरी आपको मालूम है ये पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्ट हो रहा है इन्वेस्ट हो रहा है दोनों के प्रिंसिपल देखा आपने मेच्योरिटी अमाउंट श्री का कितना है आपको मेच्योरिटी अमाउंट मतलब रिटायरमेंट के वक्त फोर्टी ईयर में दोनों के फोर्टी ईयर में श्री को कितना मिलेगा मन में वन पॉइंट वन फाइव करोर यस कैलकुलेटेड नंबर है ये डोंट वरी आपको वक्त मिलेगा तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना मगर रौनक के केस में क्योंकि रौनक ने फर्स्ट ईयर से ही इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो उसका मेच्योरिटी वैल्यू रौनक का 2.3 करोड़ का है मतलब समझो क्या इससे डबल कैसे सर सिर्फ पांच साल लेट शुरू किया था उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये कंपाउंडिंग में क्या होता है मान में कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग में कोई इफेक्ट नहीं समझता मगर एंड में जो इंपैक्ट आते हैं ना उसके जब अमाउंट्स बढ़े रहते और उस पर कंपाउंडिंग हो रहा है ना तो ह्यूज डिफरेंस होता है ह्यूज डिफरेंस इनफैक्ट अगर कोई ऑफर दे तुमको राहुल कि तुमको एवरी मंथ टू टू लैख का सैलरी चाहिए क्या ठीक है वर्सेस इसके दूसरा ऑफर दिया जा रहा है उसको फर्स्ट मंथ वन पैसा सैलरी सेकेंड मंथ टू पैसा सैलरी थर्ड मंथ फोर पैसा सैलरी देन नेक्स्ट मंथ एट पैसा मतलब डबल पैसे में डबल कंपाउंडिंग नहीं बोल सकते ट्रू सेंस में क्योंकि डबल हो रहा है ये, उसको दो पावर ऑफ डबलिंग द मनी स्टार्टिंग में एक दो पैसे चार पैसे आठ पैसे उसको क्या कर रहा हूं समझे मगर बाद में जो डबलिंग हो रहा है वो किस पर हो रहा है बड़े बड़े अमाउंट पर डबल हो रहा है टू 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 लैक विद इंक्रीमेंट ऑफ टेन टेन परसेंट एवरी ईयर बोला तो भी नहीं पर मान में कभी भी ऑफर नंबर टू ज्यादा अच्छा रहता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसलिए बोलते एट वंडर ऑफ वर्ल्ड है और आपको मानो में मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में गरीब क्यों है क्योंकि उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही नहीं समझा क्यों नहीं समझा क्या उनको ये कैलकुलेशन नहीं समझते वो जो स्टार्टिंग में कम नंबर दे रहते ना वो देख के वो डिमोटिवेट हो जाते और उनको लगता है कि यार कितना टाइम हो गया पांच साल हो गया मेरा क्या हुआ कुछ नहीं हुआ उससे अच्छा मैं उड़ाऊ और वो जिंदगी भर फिर गरीब रहते जो कंसिस्टेंटली इस मेहनत कर रहा है पांच साल दस साल पंद्रह साल और फिर मैजिकल नंबर्स आने शुरू होते हैं और बड़े बड़े अमाउंट्स वापस से री होते हैं उससे पैसा जो ग्रो होता है न, है ना वो एट वंडर ऑफ वारन बफेट एलॉन मस्क ये सब लोगों ने कुछ ना कुछ राइट अप लिखा है कंपाउंडिंग के बारे में और ये आपके सिलेबस में है तो आपका सिलेबस बहुत अमेजिंग तरीके से चलने वाला है डोंट वरी ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल पार्ट भी शुरू होगा थ्योरी पार्ट भी शुरू होगा हम लोग एज थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो आप थ्योरी पार्ट कवर करना भी जरूरी है एवरी वन पैकअप क्यों कर रहे हो दो मिनट रुको भाई अभी तक टाइम बाकी है. वो लोगों का ट्रेन था लोकल ट्रेन था उन्होंने परमिशन लिया था इसलिए वो दो लोग उठे वहां से ओके okay. ट्रेन मत पकड़ो आप, <laughs> यहां ध्यान दो <coughs> तो ओवरऑल इफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज ये जो नॉलेज में बात करो ये काइंड ऑफ नॉलेज आपको कहां तक पहुंचा सकता है आप देख रहे हो दिस काइंड ऑफ नॉलेज विल गिव यू एज ओवर अदर्स इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एस आई पी स्टार्ट करो आप बोलोगे सौ पांच सौ से क्या होगा देख रहे हो आप इंपैक्ट और आप सोचो कि आप एस आई पी कब शुरू कर रहे हो अभी जहां पे आप कितने साल के हो सत्रह अठारह साल उन्नीस साल बीस साल तो भाई बीस साल मतलब रौनक के एज भी आ गए आप और अगले और बीस साल तक कहां जा सकते हो पता है मगर सर हमारे पास बीस हजार रुपए नहीं है सर बीस हजार नहीं है दो सौ तो है दो सौ से शुरुआत कर दो हजार तो है दो हजार से कर मगर तुम्हारा इंडिविजुअल पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हो तुम विथ नॉट एनालाइजिंग द स्टॉक मार्केट बिकॉज उसके लिए तुम्हारे पास अभी वक्त नहीं है इंटर के बाद वक्त रहेगा अभी एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट बता दू अगर मैं तुमको तो बिलीव भी तुम सी इंटर पक्के से फेल होने वाले हो क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम वो सौ दो सौ रूपये बढ़े ना उसमें और क्यों तो हजार में से पांच सौ गए इतने चिल्लर अमाउंट के लिए अपन नहीं बने अपन बने बड़ा कुछ करने के लिए सिर्फ इंटर तक का कंट्रोल रखो इंटर के बाद आपके एग्जाम के बाद इसी हॉल में अपन फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन रखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस कैसे किया जाता है और उस एनालिसिस के बेसिस पर वर्कशॉप भी रखेंगे चाहिए तो वो पेड पेड रहेगा ऑफकोर्स रहेंगे बट एनालिसिस पूरा फ्री रहेगा और आपके लिए वर्कशॉप वर्कशॉप भी पहला पहला भी फ्री रखूंगा बस बट इंटर कंप्लीट होने तक आपको कंट्रोल करना है और तब तक का जो आपका पॉकेट मनी है वॉट उसको भी आपको सेव कर कर क्या करना चाहिए एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए स्टार्ट करने के लिए कितना वक्त लगता है दो मिनट पेटीएम मनी ऐप होता है ग्रो होता है आजकल कितने सारे इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आधार कार्ड पैन कार्ड मैं कोई पार्टनर नहीं हूं मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं इनका ना मुझे कुछ इसमें से मिलता है मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो ग्रो पेटीएम मनी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रहेगा उसके ऐप को डाउनलोड कीजिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड उधर डालिए और आपके के को अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो विद एस आईपी ऑफ ओनली हंड्रेड रुपीज ओनली टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड थाउजेंड जो भी प्लान रहता है अलग अलग प्लान का अलग अलग मिनिमम अमाउंट रहता है और कौन सा फंड मैनेजर अच्छा अच्छा है है कौन सा प्लान आई आई शो यू दैट ऑल्सो बट डू इट फ्रॉम नाउ क्यों सर अभी से क्यों आप इंसिस्ट कर रहे हो अभी से भी छह महीने छह महीने बाकी है छह महीने में भी आपका जो भी फंड इन्वेस्ट होकर ग्रो हो जाएगा ना वो भी काम में आएगा आपको बाद में

एक्स्ट्रा पॉकेट मनी नहीं बोल रहा आपके एग्जिस्टिंग पॉकेट मनी से ही सेविंग करो और इन्वेस्टमेंट शुरू करो कब से आज से क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है ठीक है <coughs> <coughs> चलिए आज फर्स्ट डे मैं आपको पूरे पंद्रह मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं ठीक है सो ऑब्वियसली टाली बजाना चाहिए आपने थैंक यू वेरी मच हम लोग कल मिल रहे हैं और कल से आगे का पार्ट स्टडी करेंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय आई विल गिव यू दजेशन अबाउट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स डोंट वरी एट ऑल बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट दे दूंगा मैं आपको चार पांच उसमें से आप पास्ट एनालिसिस करके देख लेना जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया उसमें इन्वेस्ट कर देना